हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। मैं राहुल मिश्रा करता हूं, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी सब लोग गाइस क्लास में जुड़ जाएंगे फास्ट तरीके से। और यहां पे हम शुरू करने वाले हैं मैराथन, यानी कि टाटा जेईटी, जो आपका स्टील का, टाटा स्टील का आपने फॉर्म भरा है जेईटी का, उसकी मैराथन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लास की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, तो लेट ना करें, जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में जुड़ जाएं एवरीवन, ठीक है। और जल्दी जल्दी मुझे बताएं क्या मेरी साउंड अब तक पहुंच रही है, क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है गाइस। तो अगर मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो मुझे बताएं जल्दी जल्दी फास्ट। आवाज क्लियर है एवरीवन, साउंड क्लियर है? चले गाइस, तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। साउंड क्लियर है क्या एवरीवन? साउंड क्लियर? इस साउंड क्लियर बताओ भाई। साउंड क्लियर है? जय उपाध्याय जी, गुड इवनिंग। इस साउंड क्लियर गाइस? साउंड क्लियर एवरीवन? यस। तो चले गाइस शुरू करते हैं। 2 घंटे का सिलसिला है हमारा, 2 घंटे का प्रश्नों का सिलसिला है हमारा। टाटा स्टील जेईटी के लिए बेसिकली मैराथन है और मैकेनिकल के बच्चों के लिए है, बेसिकली मैकेनिकल के बच्चों के लिए है और टाटा स्टील जेईटी की 2 घंटे की मैराथन है। तो जल्दी जल्दी सब लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और हम क्लास की शुरुआत यहाँ पे करने वाले हैं। चले गाइस, तो आपको मैं ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे जानते हैं, राहुल मिश्रा से टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग, आप इसे फॉलो कर लेंगे, अब इसे फॉलो कर लेंगे। इसको फॉलो करने से आपको बहुत सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल यहाँ पे हो जाती हैं और वीडियो का लिंक भी आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। एंड रिमेंबर गाइस, दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। सो जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट जिनका भी पेपर है। और गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं आप फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और गाइस 2 घंटे में आज हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन करना, तो रैपिड फायर मोड में चलेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे और एकदम सेम वही क्वेश्चन करेंगे जैसा टाटा स्टील जेईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जैसा प्रीवियस ईयर पूछा गया है या फिर जैसा पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं टाटा स्टील जेईटी के। चले गाइस, और जिन बच्चों को एजेई का कोई भी कोर्स चाहिए मैकेनिकल का, वो मेरा कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको दिखेगा एजेई मैकेनिकल का लिंक, वहां पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद गाइस आपको बस मेरा कोड यूज करना है RMISHRA, और इस कोड को यूज करने से आपको मिल जाएगा पूरा अच्छा खासा डिस्काउंट, यानी कि 11,000 का कोर्स आपको इसमें 4,000 मिल रहा है, 6 महीने की वैलिडिटी साथ में आपको मिल रही है एक्स्ट्रा, तो आप उसको अपना बना लीजिए जल्दी जल्दी, आपके लिए शानदार मौका है, बस आपको मेरा कोड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चले गाइस, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सुपर कोचिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी जल्दी इसको आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी एवरीवन। चलिए आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी गाइस एवरीवन। दिस क्लास इज फॉर टाटा स्टील जेईटी एंड बेसिकली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। सो क्लास मैकेनिकल के बच्चों के लिए टाटा स्टील जेईटी की, तो जिनका कल पेपर है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पेपर मस्त दीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए और बेहतर सफलताएं हासिल करिए। चलिए गाइस, तो जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करेंगे और जितने लोग लाइव हैं एक बार सेशन को फटाफट लाइक करें, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में हमारा टारगेट है गाइस 100 क्वेश्चन से ऊपर कवर करना और आज हम करके जाएंगे, तो आप सब लोग फटाफट आंसर करिए जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? द ग्रेबलर्स क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म हैविंग प्लेन मोशन। तो ग्रेबलर का क्राइटेरिया क्या है यार? आपको पता है कि कुछ बैक की क्वेश्चन क्या थी गाइस? जो कुछ बैक की क्वेश्चन थी वो क्या थी? कुछ बैक की क्वेश्चन थी एफ इज इक्वल टू 3L-1-2J-H। तो कुछ बैक ने, ग्रेबलर ने बोला यार कुछ बैक से कि यार मैं उस इक्वेशन की बात करूंगा जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी और हायर पेयर 0 होंगे। तो इससे क्या इक्वेशन निकल के आई गाइस? जो कुछ बैक की, ग्रेबलर की क्वेश्चन क्या निकल के आई है बताइए फास्ट जल्दी जल्दी। एन इज इक्वल टू 3L-1-2J, क्योंकि हायर पेयर यहां पर क्या लेना है आपको? 0 लेना है, क्योंकि मैकेनिज्म में कोई हायर पेयर नहीं है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। गुरु कुमार जी, मैंने यार डियर सर्च किया लेकिन वो मेरे को ना कहीं मिला नहीं यार, वो मेरे को कहीं मिला नहीं। एक्चुअली मुझे कोई ऐसा ऑफिशियल पेपर मिला नहीं कि मैं आपको सॉल्व करा पाऊं आईओटी का, इस वजह से मैंने उसको नहीं किया। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन बात है डियर, फटाफट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। द मैकेनिज्म फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू। अब गाइस जो बच्चे टाटा स्टील जेई का पेपर देने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, हाँ इसमें कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा संगम जी, कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, इसी वजह से मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो टाटा स्टील में बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि एकदम सेम पेपर आपका जो एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर करो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दो जितने लोग हो यार। सेशन आपका एग्जाम कल है तो एग्जाम से पहले बेहतर हो जाए पेपर तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो यहाँ पे आपके टाटा स्टील के पेपर में आ सकता है, ठीक है गाइस। एक मैकेनिज्म कोई स्ट्रक्चर तब बनाएगा जब नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? आंसर सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे फास्ट, सब लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे फास्ट।
तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। मैकेनिकल कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम तब बनाएगी जब इसका आंसर हो जाएगा, मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जीरो। चले फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। देखिए या इसे देखिए गाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म जो स्ट्रक्चर बनाती है इसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर आप इसे ट्रस बोल सकते हैं, या फिर इसे आप फ्रेम बोल सकते हैं। बस उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होनी चाहिए गाइस, जीरो होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। आज हमारे पास टोटल 110 क्वेश्चन है, तो दो घंटे हमारा टारगेट है 110 क्वेश्चन करने का, ठीक है। दो घंटे हमारा टारगेट है 110 क्वेश्चन करने का गाइस, तो जल्दी जल्दी आएंगे। और आज मैं वही पेपर लेके आया हूँ जो टाटा स्टील की जेईटी में आ सकता है या आया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपके टाटा स्टील के जेईटी एग्जाम में आते हैं वैसे यहां पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है डियर। चलिए, क्योंकि आप सभी का एग्जाम है तो मैं सोचा कि आपको एक बार क्वेश्चन का सेशन दे दिया जाए, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए इसका आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी, एवरीवन हल्ला कम करो, आंसर ज्यादा करो, हल्ला कम करो, आंसर ज्यादा करो, चलो एवरीवन आंसर करिए। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइव लिंक प्लेन मैकेनिज्म विद फाइव रिवोल्यूट पेयर्स एज शोन इन द फिगर इज, आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी। तो गाइस आप देखिए, चाहे कोई भी मेथड लगाइए, चाहे जे प्लस एच बाई टू, थ्री बाई टू एल माइनस टू लगाइए, या फिर आप लगाइए थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच, कुछ भी लगाइएगा, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आएगी, दो निकल के आएगी। देखिए आप इसको निकाल लीजिए, थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच। देखिए यहाँ पे हायर पेयर कोई है क्या, नहीं है, हायर पेयर सर जीरो है। थ्री एल कितना है गाइस, देखिए एक दो तीन चार पांच, पांच लिंक है यहाँ पे, सो फाइव माइनस वन माइनस टू इंटू जे, ज्वाइंट कितना है, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, पांच ज्वाइंट, कितने ज्वाइंट है, पांच ज्वाइंट। तो कितना आ गया, फोर इंटू थ्री बारह आ गया, माइनस दस आ गया, बारह माइनस दस कितना हो गया, दो आ गया, फटाफट आपका आंसर आ गया सी आ गया। अगले क्वेश्चन पाते हैं गाइस। वेरी गुड, बिल्कुल आएंगे डियर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विश्वजीत मोहंता जी, दिस सेशन इज फॉर टाटा स्टील जेईटी, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप टाटा स्टील जेईटी का पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत आसान पेपर आते हैं, वन लाइनर जस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सब लोग सेशन को फटाफट शेयर करिए, जिन बच्चों का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट गाइस, पेपर मस्त जम के करिएगा। और यहाँ पे फॉर्म है नीचे, गूगल का फॉर्म दिया है आपको, उसको भर दीजिएगा जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो कल हम इसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, आपसे बातें करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम के बारे में कुछ गपशप करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ब्लेट लिखा हुआ है, हाँ प्रीति, ब्लेट ब्लेट लिखा हुआ है, स्पेलिंग मत जाइएगा, ये क्या है, बेल्ट है डियर, क्या है, बेल्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पेयर, इनमें से कौन सा हायर पेयर है बताइए, बेल्ट एंड पुली, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर या स्लाइडिंग पेयर, जल्दी जल्दी बताइए। यस वेरी गुड पायल, बहुत बढ़िया पायल। दो बेल्ट एंड पुली गाइस जो होता है, दिस इज नॉट हायर पेयर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हायर पेयर, ये एग्जैक्टली हायर पेयर तो नहीं है, बट इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू हायर पेयर। इसे हम क्या बोलते हैं गाइस, रैपिंग पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैपिंग पेयर बोलते हैं, इसे बोलते हैं रैपिंग पेयर। सो गाइस ये होता है रैपिंग पेयर, और ये बहुत क्लोज है हायर पेयर के, बहुत ज्यादा क्लोज है, एग्जैक्टली हायर पेयर नहीं है बट हायर पेयर के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे बेल्ट एंड पुली को बोलेंगे हायर पेयर। टर्निंग पेयर गाइस क्या होता है, लोअर पेयर होता है। स्क्रू पेयर क्या होता है, आपका लोअर पेयर होता है। और स्लाइडिंग पेयर आपका क्या होता है, लोअर पेयर होता है। और ध्यान रखिएगा, स्लाइडिंग पेयर को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग पेयर को हम क्या बोलते हैं गाइस, स्लाइडिंग पेयर का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक पेयर, क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक पेयर। स्लाइडिंग पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिज्मेटिक पेयर। सो दिस इज दिस वन, बेल्ट एंड पुली इज अ रैपिंग पेयर, और इट इज वेरी क्लोज टू हायर पेयर। सो ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात है गाइज, अपना टारगेट है आज 100 क्वेश्चन से ऊपर कवर करना, और वो आपको तय करना है, फटाफट आंसर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वेरी गुड, एक बार सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में यार, जल्दी जल्दी आ जाइए। कौन फोन मांग रहा है बे, फोन कौन मांग रहा है, सर के पास कोई फोन नहीं है। चलिए वेरी गुड, तो अ रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस हैज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक कोई बॉडी स्पेस में मूव कर रही है, स्पेस का मतलब समझते हो ना, स्पेस का मतलब होता है 3D, स्पेस क्या होता है 3D, और 3D में किसी बॉडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है मेरे लाल, 6 होती है, क्या होती है, 6 होती है। अगर कोई बॉडी 2D में है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी, 2 ट्रांसलेशन 1 रोटेशन। अगर कोई बॉडी 2D में है, लाइक कोई बॉडी समझिए ये है, ये मार्कर है, ये इस बोर्ड में है, इसकी देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, एक ऐसे चलेगा और एक रोटेट करेगा। लेकिन अगर बॉडी 3D में है, तो क्या होगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगी, जिसमें आपका 3 ट्रांसलेशन हो जाएगा और 3 हो जाएगा रोटेशन, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार सब लोग सेशन को दबा के शेयर करो यार, मजा आ जाए। चलो सतेंद्र साहब, दोस्त अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, इससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट कुछ है ही नहीं। आईफोन 14 प्रो मैक्स की क्या ही औकात है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उससे बड़ी उससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट दोस्त कोई नहीं है।
तो मैं चाहता हूँ कि बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, उससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट कोई नहीं है। अपने क्लोज के लोग जब सेलेक्ट होते हैं ना दोस्तों, खुशी बहुत होती है। वो थ्री इडियट्स के डायलॉग मत जाओ, वो दोस्तों की बात है, यहाँ टीचर स्टूडेंट की बात है। ठीक है, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वॉल्यूड गियर, बताइए। अच्छा गाइस देखिए, ये वेरिएशन नहीं है, ये है इंटरफेरेंस। ये क्या है? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस इज, इंटरफेरेंस इज इनहेरेंटली एबसेंट, यानी इनहेरेंटली मतलब समझते हैं पूरी तरह से। इंटरफेरेंट क्या है? पूरी तरह से। इंटरफेरेंस क्या है? एबसेंट है। तो गाइस फटाफट सब लोग इसका आंसर करेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एवरीवन फास्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, मजा आ जाए। चलिए चलिए चलिए, फास्ट आंसर करिए सब लोग, जल्दी जल्दी एवरीवन। बताइए भाई बताइए, इन्वॉल्यूट गियर का जो खासियत है वो क्या है? गाइस एक बार सब लोग सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, पहले तो एक बार सब लोग फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यार उनको भी जरूरत है ना, उनका भी तो पेपर है, कि तुम ही लोग अकेले पढ़ोगे क्या? चलो क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नहीं टॉम का सेशन नहीं है आकाश जी, इसमें सब है, इसमें थर्मल भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, पावर प्लांट भी है, आईसी इंजन भी है, प्रोडक्शन भी है, टॉम भी है, इंडस्ट्रियल भी है, सब कुछ है इसमें। सो बस पढ़ते रहिए, अभी हमको 100 क्वेश्चन से ऊपर जाना है, तो 100 क्वेश्चन टॉम के तो नहीं दे सकते ना डियर? बिल्कुल भी है डियर, अपने पास सब क्वेश्चन है यार, अपने पास पूरा पिटारा है, बस वेट तो करो सर वहां तक आने दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर इन्वॉल्यूट गियर, तो गाइस देखिए इन्वॉल्यूट गियर जो होता है इनमें इंटरफेरेंस टोटली एबसेंट नहीं होता। ये किसमें होता है? साइक्लॉइडल गियर में। किसमें एबसेंट होता है? साइक्लॉइडल गियर में एबसेंट होता है। इंटरफेरेंस जो होता है वो साइक्लॉइडल गियर में होता ही नहीं है, लेकिन इन्वॉल्यूट में होता है। लेकिन इन्वॉल्यूट में एक खासियत होती है, जिसको भगवान राम का, भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है, या ये कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, वो ये है कि इसका जो प्रेशर एंगल होता है ना गाइस, वो थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। टीथ एंगेजमेंट, यानी कि टीथ यहां से यहां, टीथ कैसे चल रहा है देखो, इन्वोल्यूट प्रोफाइल अगर हेलिकल गियर है तो पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट, पहले पॉइंट, फिर लाइन, फिर पॉइंट, फिर डिसएंगेज। उस पूरे दौरान जो प्रेशर एंगल होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये है इन्वोल्यूट गियर की खासियत, ये है इसकी स्पेशलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं डियर, चलो 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 अगले क्वेश्चन पे आंसर करते हैं गाइस फास्ट, जल्दी जल्दी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल जनरली 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 व्हाट इज द प्रेशर एंगल जनरली यूज फॉर इन्वोल्यूट गियर? आंसर करेंगे सब लोग जल्दी जल्दी फास्ट। गाइस आप प्रेशर एंगल को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, आप प्रेशर एंगल को ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने प्रेशर एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए अगर आपने प्रेशर एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी लाइक दैट, अगर आपने इसे प्रेशर एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी, ये गियर का एक शाफ्ट ये है गियर का, और एक गियर का ये शाफ्ट है, गियर का शाफ्ट एक ये है, एक शाफ्ट गियर का ये है, अगर आपने इस प्रेशर एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी मेरे लाल, तो इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है ना वो बढ़ जाएगा, और अगर साइन वाला कंपोनेंट बढ़ गया तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो साइन थीटा बढ़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर ये फाई है, फाई है प्रेशर एंगल, अगर ये फाई बढ़ेगा तो ये जो कंपोनेंट है ना एफ साइन फाई क्या हो जाएगा? एफ साइन फाई ये बढ़ेगा, और अगर ये एफ साइन फाई बढ़ा तो आपके शाफ्ट के ऊपर जर्क मारेगा, यानी कि जो गियर का शाफ्ट है ना उसके ऊपर रेडियल फोर्स देगा, और गियर की शाफ्ट की सेंटर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, इसलिए प्रेशर एंगल आप ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू जनरली हम जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 20 डिग्री। क्या लेते हैं? 20 डिग्री। अगले क्वेश्चन बताते हैं, चलिए गाइस आंसर करते हैं फास्ट, जल्दी जल्दी एवरीवन। बहुत बढ़िया, क्या ही आंसर तुम लोग कर रहे हो यार, मजा ही आ रहा है आज तो, वेरी गुड। वसंत, टुडे इज महाशिवरात्रि ना, सो इट्स माय फास्ट टुडे, एंड जब मैं फास्ट रहता हूं तो आपको पता है कि मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा रहती है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, द टूथ प्रोफाइल मोस्ट कॉमनली यूज इन गियर ड्राइव फॉर पावर ट्रांसमिशन, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए गाइस जो टूथ प्रोफाइल यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर ट्रांसमिशन के लिए जो टूथ प्रोफाइल यूज करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज टूथ प्रोफाइल गियर ड्राइव में क्या होती है गाइस? तो क्या साइक्लॉइडल होती है? नहीं, साइक्लॉइडल क्यों नहीं होती? साइक्लॉइडल इसलिए नहीं होती गाइस क्योंकि साइक्लॉइडल में इंटरफेरेंस तो होता नहीं, साइक्लॉइडल में इंटरफेरेंस तो होता नहीं, लेकिन साइक्लॉइडल में इंटरफेरेंस होता नहीं, लेकिन साइक्लॉइडल में जब सेंटर डिस्टेंस चेंज होती है, जब सेंटर डिस्टेंस चेंज होती है तो प्रेशर एंगल चेंज हो जाता है, और ये होता है इसका नेगेटिव पॉइंट। तो इसके लिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। किसको प्रेफर करते हैं? इन्वोल्यूट गियर को प्रेफर करते हैं, एलिप्स और पैराबोला नाम का कोई गियर नहीं होता। अगले क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा आप जो बच्चे ये भांग वांग का आंसर करें, प्लीज महाशिवरात्रि के दिन इस सब चीजों का नाम मत लिया कीजिए। ये हमारे जो भ्रम लोगों ने फैला रखा है कि ये शिव जी थे, हम मतलब भांग पी के मस्त हो गए, ऐसा मत करिए यार, वो बहुत रिस्पेक्टेड गॉड है, उनके इस तरह के दिवस पे, इस तरह के दिन पे ऐसा नाम मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। इन केस ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड, तो वॉर्म और वॉर्म व्हील में, अब गाइस ये देखिए वॉर्म और वॉर्म व्हील आपका कहां होता है? वॉर्म और वॉर्म व्हील आपने देखा होगा जूसर में, जब आप गए होंगे कभी जूस पीने,
जब आप गए होंगे कभी जूस पीने तो आपने देखा होगा वॉर्म और वॉर्म व्हील, जो ऐसे हैंडल चलाता है ना, जो ऐसे हैंडल चलाता है तो जो रेसिप्रोकेट करता है दैट इज वॉर्म, जो रेसिप्रोकेट करता है दैट इज वॉर्म, और जो रोटेट करता है दैट इज व्हील, वो क्या होता है व्हील होता है। तो ड्राइवर कौन होता है गाइस बताइए, इन केस ऑफ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वॉर्म इज ड्राइवर। अब गाइस एक चीज मैंने आपको बताई है कि वॉर्म ही हमेशा ड्राइवर हो सकता है, वॉर्म व्हील कभी ड्राइवर नहीं हो सकता, वॉर्म व्हील कभी ड्राइवर नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है देखिए गाइस, व्हील आपका कुछ, वॉर्म आपका कुछ इस तरह का है, वॉर्म आपका कुछ इस तरह का है ना, और आपकी व्हील कुछ ऐसे लगी है, यानी कि वॉर्म इस तरह का है ऐसे, और इस पे व्हील ऐसे लगी है, वॉर्म में बने हैं टीथ और वॉर्म में लगी है व्हील। तो जो वॉर्म, जब वॉर्म रेसिप्रोकेट कर रहा है तो रेसिप्रोकेशन से वो रोटेट करा रहा है किसको, व्हील को। वॉर्म रेसिप्रोकेट कर रहा है उसी रेसिप्रोकेशन की वजह से रोटेट करा रहा है व्हील को, यानी कि जो व्हील का रोटेशन है वो वॉर्म की रेसिप्रोकेशन पे डिपेंडेंट है। पहले हमने वॉर्म को रोटेट कराया तो वॉर्म रोटेट करते 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 रेसिप्रोकेट भी कर रहा है, वॉर्म का जो रोटेशन है वो रेसिप्रोकेशन पे डिपेंड है, मतलब अगर रेसिप्रोकेशन होगा, रोटेशन होगा तभी रेसिप्रोकेशन होगा। तो वॉर्म क्या करेगा, वॉर्म व्हील को घुमाएगा, लेकिन व्हील कभी वॉर्म को नहीं घुमा सकता। तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आएगी वो कब आएगी, जब वॉर्म ड्राइवर होगा, वॉर्म ड्राइवर होगा, वॉर्म को आप रोटेट करेंगे, रोटेशन की वजह से क्या होगा, वॉर्म का रेसिप्रोकेशन होगा। इसकी एफिशिएंसी भी आप जानते हैं क्या लिखते हैं, अगर कभी पूछ दे आपके एग्जाम में 1 - sin φ / 1 + sin φ। अब जो बच्चे कल टाटा स्टील जेईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो खास ध्यान देंगे, कभी कभी बच्चे देखिए आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी पूछ सकता है, वो आपको दे देगा फाइ 30 डिग्री। अगर फाइ 30 डिग्री दे देगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी जब फाइ 30 डिग्री होगा, तो आप लिख देंगे 1 - 1/2 sin 30, 1/2, 1 + 1/2, तो ये 1/2, 3/2, 1/3, यानी कि 33% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर करिए जल्दी जल्दी। The curve traced by the end of a thread, as it unwounds from a stationary cylinder, is known as। जब किसी स्टेशनरी सिलेंडर से कोई कर्व को आप अनथ्रेड करेंगे, एक सिलेंडर है इसके ऊपर से आप कोई कर्व अनथ्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपने इसके ऊपर कोई लगाया, एक थ्रेड लगाया, उसको आप अनथ्रेड कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं धीरे 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 ओपन कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल कैसी बनेगी, लाइक ये जो प्रोफाइल बनी गई उसे क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट प्रोफाइल। किसी सर्किल के ऊपर आपने कोई थ्रेड को रैप किया हुआ है, आप उस थ्रेड को धीरे धीरे अनरैप कर रहे हैं ओवर द सर्किल, तो जो प्रोफाइल बनेगी क्या बनेगी, इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनेगी। और अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई सर्किल रोल कर रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई सर्किल रोल कर रहा है तो जो प्रोफाइल बनेगी वो बनेगी आपकी साइक्लॉइडल प्रोफाइल। सर्किल के अंदर की जो प्रोफाइल होगी वो हाइपो होगी, सर्किल के ऊपर की जो प्रोफाइल होगी वो एपिसाइक्लॉइड, सर्किल के अंदर की प्रोफाइल हाइपोसाइक्लॉइड, क्योंकि जो आपका साइक्लॉइडल गियर है ना डियर, उसको वो किसका कॉम्बिनेशन है, लाइक वो एपी पोर्शन का और हाइपो पोर्शन का, ये होता है हाइपो और ये होता है, देखिए ये आप ऐसे समझिए कि ये सर्किल के अंदर का पार्ट है, ये कहां बना है देखिए, सर्किल के अंदर, ये सर्किल के अंदर का पार्ट है और ये सर्किल के बाहर का पार्ट है, तो बाहर यानी कि एपी और अंदर यानी कि क्या होता है, हाइपो होता है। क्या होता है, हाइपो होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए फास्ट आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी एक बार, और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करो यार, ये 93 लोग लाइव हो और 49 लाइक ऐसे कैसे कर सकते हो यार, इतना तो गलत नहीं कर सकते ना। तो गाइस हमारी डेली क्लास चलती है यहीं 7 से 8 तक, 7 से 9 तक वीकेंड में चलती है और 7 से 8 तक रेगुलर सेशन में चलती है, तो जो बच्चे चाहते हैं रेगुलर ज्वाइन करना वो डेली आ सकते हैं क्लास में। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ कंजुगेट टीथ प्रोफाइल फॉर द मैटिंग गियर। कुलदीप जी गुस्सा मत होइए, आपका कमेंट भी मैं देख रहा हूँ डियर, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू ऑल। चले गाइस यार 97 लोग हो गए, एक बार फटाफट शेयर कर दो यार, आई वांट दिस सेशन टू गो बियॉन्ड द 100 प्लीज, एक बार सब लोग फटाफट सेशन को शेयर करें, 100 के पार मुझे चाहिए यार, ठीक है। सात्विक बैनर्जी साहब, वो करंट इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड का ट्रेंड है यार, वो मैंने खुद खोजा और मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, मतलब मैं जब तक आपको क्वेश्चन में तब तक नहीं कराता जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल लाइक पेपर नहीं होता, ऐसे में उल्टे सीधे पेपर नहीं करा सकता ना। चलिए तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ द कंजुगेट टीथ फॉर द प्रोफाइल ऑफ मैटिंग गियर। गाइस मैटिंग गियर की प्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये डिजायर्ड मोशन ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार, जो कंजुगेट प्रोफाइल होते हैं गियर के, आपने देखा होगा गाड़ी में, अगर वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, मैडम पीछे बैठाए हो और अगर गाड़ी का गियर, अगर गाड़ी के गियर में स्लिपिंग ज्यादा हो गई, जरा सोचो गियर क्या करेगा, बाइक ऐसा झटका देगी ना, बाइक ऐसा झटका देगी कि मैडम जाके गिरेंगी वहां स्केप वेलोसिटी से और तुम रहोगे यहाँ पे। तो गाड़ी का जो जो गियर होता है जिसकी कॉन्जुगेट टीथ प्रोफाइल होती है गाइस, वो क्या आप चाहते हैं कि वो डिजायर्ड मोशन कंप्लीट करे, यानी कि जो तुम्हारी चाहत है उसको पूरी करे, और उसको मैन्युफैक्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनवॉल्यूट प्रोफाइल कैसे बनती है, इनवॉल्यूट कैसे बनती है गाइस, इनवॉल्यूट इस ऐसे बनती है कि एक सर्किल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, किसी थ्रेड को आपने रैप किया हुआ है, अब धीरे धीरे आप थ्रेड को अनरैप कर रहे हैं, यानी जरा सोचिए इसमें कितनी मेहनत लगती होगी, कितना समय लगेगा, मेहनत समय बहुत ज्यादा लगेगा,
जाना, इसलिए इसको बनाना इतना आसान नहीं होता, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इन्वोल्यूट की जगह कोई ले नहीं सकता, इन्वोल्यूट की जगह कोई ले नहीं सकता, इन्वोल्यूट का स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बार गियर लगा दिया तो आप उसको उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, नहीं ये गलत बात है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बनाने में समय बहुत लगता है, माइक्रो टूल यूज करते हैं। आपको पता होगा हमारे पास बहुत सारे गियर हैं, हेरिंग बोन गियर, डबल हेलिकल गियर, तो बहुत सारे गियर हम यूज करते हैं, उसके लिए हम माइक्रो टूल यूज करते हैं, गियर की प्रोफाइल को बहुत ध्यान से कट करना है, तो हमारा जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसे फोर वाला गलत है, फोर किस में है, इसमें है उड़ा दो, इसमें है उड़ा दो, इसमें है उड़ा दो, क्या बचेगा, वन टू थ्री बचेगा ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन बताते हैं डियर, वेरी गुड, नो डियर दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल गाइस, सॉरी गाइस दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। बराबर शेयर करिए जल्दी जल्दी क्लास को यार, आई वांट दिस क्लास टू क्रॉस द 100। प्रीति अपना टारगेट है बच्चे अपने को देखो 100 क्वेश्चन से ऊपर कराने हैं आज ना, तो आज अपन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन के ऊपर करेंगे, और ये सब क्वेश्चन आपके लिए तो हलवा है यार, आप लोगों के लिए, आप लोग रोज इन क्वेश्चन से खेलते हो। चलो तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो हो जाता हूं मैं। द प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, अब आप सबको पता है गाइस कि सर्कुलर पिच क्या होता है, पीसी इज इक्वल टू पाई डी बाय टी। ध्यान रखिएगा गाइस, आपको टाटा स्टील के जेईटी में इस सेशन से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप इस सेशन नोट कर लीजिएगा, इस सेशन से आपको क्वेश्चन टाटा स्टील जेईटी में जरूर मिलेंगे, आपके कोर सिलेबस में, जो आपका कोर सिलेबस है ना उसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो पाई डी बाय टी क्या होता है गाइस, सर्कुलर पिच होता है, और डायमेट्रल पिच क्या होता है, टी बाय डी। यानी कि देखिए ये जो डी बाय टी है ना दोस्त, मतलब पिच सर्किल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, इसे हम बोलते हैं मॉड्यूल, क्या बोलते हैं मॉड्यूल, और मॉड्यूल का उल्टा यानी कि रिवर्स ऑफ मॉड्यूल टी बाय डी, ये क्या होता है, डायमीटर पिच होता है, क्या बोलता होता है, डायमीटर पिच। तो देखिए ऐसे डी डी कैंसिल, टी टी कैंसिल, क्या बचेगा, पाई बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई। कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा एक चीज समझिए यहाँ पे, डायमीटर पिच और सर्कुलर पिच का प्रोडक्ट पूछा तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ रहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइक दिस मॉड्यूल एंड डायमीटर पिच, डायमेट्रल पिच, तो इसका क्या जाएगा, मॉड्यूल क्या होता है डी बाई टी, डायमेट्रल पिच क्या होता है टी बाई डी, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा गाइस, वन हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, ये भी कांस्टेंट है, वैसे पाई भी कांस्टेंट है, बट इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन किसका होगा, मॉड्यूल इंटू डायमेट्रल पिच का। अगले क्वेश्चन पाते हैं, वेरी गुड, चलो गाइस बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, क्या ही बात है यार, बहुत बढ़िया शानदार सेशन। तो आप सब लोग का यार पेपर कल बहुत बेहतर हो, बस शिव जी से यही प्रार्थना है कि आप सबका पेपर बहुत बढ़िया हो जाए, और पेपर बहुत बढ़िया, और जम के पार्टी वार्टी करो यार, ठंड का मौसम खत्म होने वाला है, जम के पार्टी वार्टी करो, कहीं सेलेक्ट हो जाओ, लाइफ का मजा लो, है ना। चलो आते हैं यहां पर, द कॉन्टेक्ट रेशियो ऑफ गियर। अब ये कॉन्टेक्ट रेशियो क्या होता है डियर, कॉन्टेक्ट रेशियो गियर क्या होता है, गियर कॉन्टेक्ट रेशियो होता है कि एक समय में कितने टीथ कॉन्टेक्ट में है। अगर गियर, जैसे मान लीजिए ये एक गियर है, ये गियर है, ये गियर का दांत है और ये गियर का दांत है, ये दोनों गियर के दांत है ना, अगर गियर चल रहा है और एक टीथ, दो टीथ, तीन टीथ, एक साथ तीन टीथ कॉन्टेक्ट में है, तो जो कॉन्टेक्ट रेशियो का तीन होगा, कितना होगा, तीन होगा। कॉन्टेक्ट रेशियो ये बताता है कि एक साथ कितने गियर कॉन्टेक्ट में है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, 101 के लिए थैंक यू सो मच ऑल एंड लव यू ऑल गाइस। चलिए तो ये कॉन्टेक्ट रेशियो ये बताता है गाइस कि एक साथ कितने गियर कॉन्टेक्ट में है, एक साथ कितने टूथ कॉन्टेक्ट में है, एक टूथ, दो टूथ, तीन टूथ। अगर मान लीजिए कॉन्टेक्ट रेशियो कभी 1.5 आ जाता है, अगर कॉन्टेक्ट रेशियो कभी 1.5 आता है, इसका मतलब कि एक टूथ कॉन्टेक्ट में था और जब गियर चल रहा था तो दूसरा वाला जो पेयर था, एक पेयर तो फुल इंगेजमेंट में है और जो दूसरा पेयर है वो हाफ टाइम के लिए इंगेज हुआ, यानी कि जब ये पेयर पूरा इंगेज हो रहा था फुल टाइम के लिए, दूसरा पेयर 50% टाइम के लिए इंगेज हुआ, फिर डिसइंगेज हो गया, इसे बोलते हैं 1.5 कॉन्टेक्ट रेशियो का मतलब। यानी कॉन्टेक्ट रेशियो गियर का हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर गियर का कॉन्टेक्ट रेशियो एक से कम हो गया, अगर गियर कॉन्टेक्ट रेशियो एक से कम हो गया तो गियर लोड कहां लेगा, गियर का जो टूथ होगा वो फेल हो जाएगा, है ना। तो गियर का कॉन्टेक्ट रेशियो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, वैसे ही जैसे रेफ्रिजरेटर की सीओपी एक से ज्यादा होनी चाहिए। बस 2-4-5 क्वेश्चन और, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने अगले सेशन में, अगले सब्जेक्ट में। चलिए फास्ट सब लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, जो गियर की साइज है वो किससे आप स्पेसिफाई करते हैं गाइस, बताइए, प्रेशर एंगल से, सर्कुलर पिच से, डायमीटर पिच से, या फिर आप करते हैं पिच सर्किल डायमीटर से। तो बताइए गियर की प्रोफाइल जो है, गियर की जो साइज है, आप किससे स्पेसिफाई। देखो डियर, जो गियर होता है ना, इसकी जो साइज होती है, गियर के इतिहास में जो सबसे बड़ा सर्किल होता है, सबसे बिगेस्ट सर्किल होता है, वो होता है पिच सर्किल। गियर के इतिहास का सबसे बड़ा सर्किल क्या होता है, पिच सर्किल, और सारी डायमीटर हम गियर की पिच सर्किल से ही नापते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां पे टूथ बना के दिखा दूं गियर का, ये मान लीजिए गियर का टूथ है, मैं आपको सारे चीजें दिखा दे रहा हूं ताकि आप कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बता सके। ये सबसे ऊपर जो सर्किल पास हो रहा है, इसे बोलते हैं अडेंडम सर्किल। ये कहीं पिच पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट
पिच पॉइंट, यहां जो सर्किल पास हो रहा है इसे बोलते हैं पिच सर्किल, इसके नीचे जो सर्किल पास हो रहा है इसे बोलते हैं बेस सर्किल, और सबसे नीचे वाला जो सर्किल होता है गाइस इसे बोलते हैं डिडेंडम सर्किल। क्या बोलते हैं? डिडेंडम सर्किल। और ये एक बात याद रखिएगा गाइस, जो हम गियर की प्रोफाइल बनाते हैं ना, इनवोल्यूट प्रोफाइल या साइक्लॉइडल प्रोफाइल, हमेशा वो किसके ऊपर बनाते हैं? इनवोल्यूट प्रोफाइल जो आपकी गियर की बनती है हमेशा वो बेस सर्किल के ऊपर ही बनती है। कहां बनती है? बेस सर्किल के ऊपर बनती है, बेस सर्किल के ऊपर बनती है, यहां नहीं बनती। इनवोल्यूट प्रोफाइल हमेशा बेस सर्किल से ऊपर बनाई जाती है। क्लियर? तो आपका ये आ जाएगा क्या, लाइक कहां गया, पिच सर्किल डायमीटर। तो पिच सर्किल डायमीटर से ऊपर अडेंडम, इससे नीचे डिडेंडम, ऐसे डिस्टेंस हम यहां पे मेजर करते हैं। सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं गाइस? पिच सर्किल से मेजर करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोमेश जी, किस चीज की वीडियो आपको चाहिए गाइस टेस्ट बुक पे? सोमेश जी, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, पर्सनल मैसेज करिए, आप मुझे डीएम करिए, राहुल मिश्रा से टेस्ट बुक, अगर आप टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में होंगे आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको पूरे वीडियो का लिंक भिजवा दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम डियर, आई एम हियर, नो फियर। देखिए डियर, आकाश बोल रहे हैं कि प्रेशर एंगल के बारे में बता दीजिए। देखिए आकाश, क्या होता है ना कि लाइक समझिए, आपका एक गियर का टूथ ये है, एक गियर का टूथ ये है। अब देखिए, इस गियर का टूथ, जब दो टूथ कांटेक्ट में होंगे तो उनका एक नॉर्मल पॉइंट होगा, एक नॉर्मल पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। और ये है इस वाले गियर का पिच सर्किल, ये रहा इस वाले गियर का पिच सर्किल, ये रहा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये नॉर्मल, और इस दोनों पिच सर्किल पे टेंजेंट, इसके बीच का जो एंगल होता है डियर, वो क्या होता है? प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल 20 डिग्री होना चाहिए। अगर प्रेशर एंगल ज्यादा बढ़ जाएगा तो गियर पे रेडियल जर्क आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए जो आपका ये लाइन ऑफ एक्शन है, यह फोर्स की लाइन है। इस लाइन के अबाउट, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसी के अबाउट फोर्स ट्रांसमिट होगा ना, तो फोर्स इसी लाइन पर ट्रांसमिट हो रहा है। अगर फाई की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो एफ साइन फाई बढ़ेगा, अगर एफ साइन फाई बढ़ेगा तो गियर की एक्सिस पे जर्क ज्यादा मिलेगा, इसलिए प्रेशर एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर एंगल की एक एवरेज वैल्यू होती है 20 डिग्री, होती है इसकी एवरेज वैल्यू 20 डिग्री। एक रिवर्टेड गियर ट्रेन कौन सी गियर ट्रेन है जिसमें आउटपुट और इनपुट शाफ्ट क्या होते हैं गाइस? तो रिवर्टेड गियर ट्रेन, पहले बात आप समझ लीजिएगा कि रिवर्टेड गियर ट्रेन वो गियर ट्रेन होती है जो आपकी घड़ी में यूज होती है, आपकी क्लॉक में, वॉल की क्लॉक में, या फिर रिस्ट वॉच में। अगर आप पास रिस्ट वॉच है, एनालॉग वाली वॉच, इस तरह की सस्ती वाली वॉच अगर आपके पास है, एनालॉग वॉच, तो इसमें आप रिवर्टेड गियर ट्रेन का यूज करते हैं। रिवर्टेड गियर ट्रेन गाइस क्या होती है? जिसमें इनपुट और आउटपुट शाफ्ट क्या होते हैं? कोएक्सियल होते हैं। तो समझिएगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होती है? जिसमें इनपुट आउटपुट शाफ्ट, यह है आपकी इनपुट शाफ्ट, यह है आपकी आउटपुट, यह है इनपुट शाफ्ट, ये कोएक्सियल होते हैं। एक गियर यहां पे लगा है, एक गियर यहां पे लगा है, एक गियर यहां पे लगा है, और एक गियर यहां पे लगा है। यह है आपका ड्राइवर, ये ड्राइवर है, ये घूमे, ये घुमाएगा, ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये घूमेगा। तो देखिए, इसमें आउटपुट और इनपुट शाफ्ट क्या होती है? कोएक्सियल होती है, इसे बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? कोएक्सियल, यानी कि एक ही एक्सिस होते हैं, इसे बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, रिस्ट वॉच में भी डियर, लेकिन वो रिस्ट वॉच एनालॉगस होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। रिस्ट वॉच में बट एनालॉग वॉच होनी चाहिए, डिजिटल नहीं होनी चाहिए। क्या करें यार दीपक भाई, खाना मिल ही नहीं रहा तो क्या खाएं? हाँ, खाना मिल ही नहीं रहा तो क्या खाएं, बताओ। बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ एसआई फ्यूल, बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ स्पार्क इग्निशन फ्यूल, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन में जो फ्यूल यूज होता है उसमें जो हायर ऑक्टेन नंबर है। अबे टाइटन, और तुम फास्ट्रैक देख रहे हो, टाइटन फास्ट्रैक देख रहे हो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं तुम रिचर्ड माइली खरीदो यार, आरएम की वॉच खरीदो, आरएम मतलब राहुल मिश्रा, रिचर्ड माइली खरीदो यार, ऐसा क्या है? बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ एसआई फ्यूल, अगर एसआई फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई है गाइस, इसका मतलब इसमें क्या होगा? देखिए, अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, क्या होता है? अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है तो फ्यूल में क्या कम होती है? नॉकिंग। फ्यूल में नॉकिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो फ्यूल में नॉकिंग क्या होगी? कम होगी। नॉकिंग कम कब होगी बे? जब यहां पे लॉन्गर इग्निशन डिले होगा। इग्निशन डिले समझते हो? स्पार्किंग और कंबशन के बीच का समय, स्पार्किंग हुई और कंबशन के बीच का समय, इसे बोलते हैं इग्निशन डिले। अगर इग्निशन डिले कम हुआ, अगर इग्निशन डिले कम हुआ, देखो यह है आपका सिलेंडर क्लियरेंस वॉल्यूम, टॉप से देखिए यहां पे लगा है स्पार्क प्लग। अगर इग्निशन डिले कम हुआ, यानी कि स्पार्किंग हुई और फ्यूल तुरंत जल गया, अगर फ्यूल तुरंत जल गया तो ये वाला फ्यूल तुरंत जलेगा, जो स्पार्क प्लग के बिल्कुल पास वाला फ्लेम फ्रंट है वो बनेगा, और एंड चार्ज जो है ना वो भी तुरंत जल जाएगा, क्योंकि अगर इग्निशन डिले कम होगा तो एंड चार्ज भी तुरंत जल जाएगा और फ्लेम फ्रंट भी तुरंत जल जाएगा। तो क्या होगा? ये एक फ्लेम इधर से बनाएगा और ये एक फ्लेम अपोजिट डायरेक्शन बनाएगा, ये दोनों फ्लेम आपस में टकराएंगी और ये करेगी डेटोनेशन। डेटोनेशन एक फिनोमिना है, नॉकिंग कोई फिनोमिना नहीं है। डेटोनेशन का जो रिजल्ट है वो नॉकिंग है। डेटोनेशन की वजह से साउंड आता है ठक ठक वाला, इसको बोलते हैं नॉकिंग। तो प्रॉब्लम क्या है? डेटोनेशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका एसआई इंजन में आपका हमेशा डेटोनेशन मतलब नहीं होना चाहिए, उसके लिए इग्निशन डिले क्या होना चाहिए? लॉन्गर होना चाहिए, ऑक्टेन नंबर हायर होना चाहिए।
ठीक है, नहीं डियर दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल, डियर दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। अभिजीत कुमार दत्ता जी, ये क्लास डियर कल शेड्यूल हो गई थी, मैंने मैसेज किया बट स्टाफ छुट्टी पे था, इस वजह से वो चेंज नहीं हुआ डियर। ठीक है, मतलब इसलिए मैंने क्लास के शुरू में ही बोल दिया अभिजीत जी कि दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। नो डियर दिस क्लास इज नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल, दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन इज बाय, देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया, आगे टॉम से इसमें चलो। द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन इज बाय द यूज ऑफ, बताइए फास्ट जल्दी जल्दी बताइए द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, जो आप इंडिकेटेड पावर निकालते हैं डियर, अब देखिए इंडिकेटेड पावर या फ्रिक्शनल पावर, इंडिकेटेड पावर आप निकालिए या फ्रिक्शनल पावर आप निकालिए, इंडिकेटेड पावर निकालिए या फ्रिक्शनल पावर निकालिए, सर एक ही टेस्ट है, एक ही टेस्ट है, कौन सा टेस्ट? मोर्स टेस्ट, जो किसके लिए यूज होता है? मल्टी सिलेंडर इंजन। ये भी नोट कर लो, कल एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मोर्स टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं गाइस? मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, वो भी कौन सा इंजन? एसआई की सीआई, तो कोई भी इंजन ले लो, एनी इंजन ले लो, बस मल्टी सिलेंडर होना चाहिए, मल्टी सिलेंडर इंजन होना चाहिए, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो चाहे कोई भी इंजन हो, उसके लिए हम मोर्स टेस्ट का यूज करते हैं। मोटरिंग टेस्ट किस लिए करते हैं गाइस? मोटरिंग टेस्ट से हम क्या निकालते हैं? फ्रिक्शनल पावर निकालते हैं। ब्रेक टेस्ट यानी कि ब्रेक डायनेमोमीटर से हम क्या निकालते हैं? जो आपका डायनेमोमीटर होता है वो किसके लिए होता है? ब्रेक पावर के लिए। डायनेमोमीटर ब्रेक पावर के लिए, मोर्स टेस्ट फ्रिक्शनल पावर या फिर इंडिकेटेड पावर के लिए, और मोटरिंग टेस्ट आपका होता है फ्रिक्शनल पावर के लिए। ठीक है, एक टेस्ट और होता है विलियम्स लाइन टेस्ट, वो हम करते हैं एसआई सीआई इंजन के लिए, उसमें भी हम फ्रिक्शनल पावर ही निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं डियर, प्रभात, क्या नाम है आपका? प्रभात जी, प्रभात यू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल टेल यू, दिस इज नॉट द राइट प्लेस हियर डियर, जस्ट प्रैक्टिस योर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर, टेंशन मत लीजिए। चलिए, मल्टी स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन, बताइए, पावर प्लांट का क्वेश्चन, मैं बोला ना सारे कंबाइंड है। नहीं डियर, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो नहीं है ये, कोको जी, मतलब ये जो आप आई ओ टी की क्लास है वो इलेक्ट्रिकल की नहीं है, बाकी क्लास मोहित सर ले रहे हैं। अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट की क्लास पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो मोहित सर की क्लास डेली चलती है, आप जाके उनको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो होता है एयर का एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन, अब आपको पता है कि गाइस जब हम कंप्रेशन करते हैं ना, जैसे आपका ब्रेटन साइकिल है, आपने कंप्रेशन किया लाइक दैट, ऐसे कंप्रेशन हुआ, ये हुआ आपका कंप्रेशन, दिस प्रोसेस क्या है? कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में अगर कितना वर्क आपको, कितना वर्क देना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? पीवी डायग्राम का एरिया किस एक्सिस पे? प्रेशर एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि ओपन सिस्टम है। तो गाइस देखिए, यहां पे हम इस एक्सपेंशन, इस कंप्रेशन को आइसेंट्रोपिक ना करके आइसोथर्मल करते हैं, बीच बीच में इंटरकूलिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरकूलिंग कर देते हैं। तो मल्टी स्टेज अगर आप कंप्रेशन करेंगे बीच बीच में इंटरकूलिंग करके, तो ये प्रोसेस कैसा बन जाएगा? आइसोथर्मल। अब देखिए यहां पे वर्क आपको कम देना पड़ेगा, इतना वर्क जो है आपका वो सेव हो जाएगा। तो जब भी आप आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं, आपका वर्क सेविंग हो जाती है कंपेयर टू एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये इंप्रूव करेगा, पहली बात तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर देगा, और वर्क डन को घटा देगा, और यूनिफॉर्म टॉर्क ज्यादा देगा। मल्टी स्टेज में कंप्रेशन करेंगे तो हमेशा आपको ज्यादा यूनिफॉर्म टॉर्क मिलेगा इन कंपेयर टू, एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन। और यही ऐसा वहां भी होता है जब आप डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं, लाइक आईसी इंजन में, जो आपका मल्टी सिलेंडर इंजन होता है ना, उनमें टॉर्क ज्यादा यूनिफॉर्म होता है एज कंपेयर टू सिंगल सिलेंडर इंजन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं डियर, 19वां क्वेश्चन। नहीं डियर, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है यार, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार सतेंद्र साहब, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट है पावर प्लांट यार। हाँ, स्ट्रीक लाइन के साथ पढ़ो डियर, स्ट्रीक लाइन के साथ पढ़ो, चाहे जैसे पढ़ो, बस पढ़ो। वेरी गुड। इन अ कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो फील्ड द मैक नंबर इंडिकेट्स, मैक नंबर क्या बताता है बताओ, कंप्रेसिबल फ्लो फील्ड में मैक नंबर क्या बताता है डियर? तो मैक नंबर आपको बताता है विस्कस फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, या इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, या इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, या विस्कस फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। गाइस, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स ये तो रेनॉल्ड नंबर होता है, ये तो आप जानते हैं, और इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स ये क्या होता है? मैक नंबर होता है। क्या होता है? मैक नंबर। आपको पता है कि अगर मैक नंबर एक से कम है तो फ्लो कैसा है? सबसोनिक है। अगर एक है तो फ्लो सोनिक है, एक से ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक फ्लो हम बोल देते हैं। और अगर आपका मैक नंबर 0.8 से लेके 1.2 तक है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं ट्रांसोनिक फ्लो। क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक फ्लो। वो मैंने आपको जो बताया जनरली, वो जनरल होता है। मैक नंबर अगर एक से कम है सबसोनिक, एक है तो सोनिक फ्लो या क्रिटिकल फ्लो, इससे ज्यादा है तो सुपरसोनिक फ्लो हम बोल देते हैं, बट एक रेंज होती है सबकी। तो अगर 0.8 से 1.2 तक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसोनिक फ्लो। क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक फ्लो। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स। क्या आ जाएगा? इनर्शिया अपॉन इलास्टिक फोर्स। अगले क्वेश्चन पाते हैं डियर, चलिए फास्ट आंसर करिए सब लोग। इन अ गैस टरबाइन पावर प्लांट रीहीटिंग ऑफ गैस बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्बाइन विल स्टेज विल, बताइए। वेरी गुड,
चलिए तो गैस टरबाइन का पावर प्लांट का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि अगर हम रीहीटिंग करते हैं बिटवीन लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में तो क्या होता है। तो गाइस देखिए, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट का अगर आप पढ़ेंगे ब्रेटन साइकिल या फिर जूल साइकिल पढ़ेंगे, अगर आप उसका टीएस प्लॉट बनाएंगे तो उसका टीएस प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन, उसके बाद देखिए टर्बाइन में एक्सपेंशन, ये हीट एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब ये बोल रहा है कि यार हम रीहीटिंग कर रहे हैं बीच बीच में, क्या कर रहे हैं? रीहीटिंग कर रहे हैं, यानी कि टर्बाइन से जो आपका जो टर्बाइन से आपका एयर एक्सपैंड हुई उसको हमने फिर से हीट कर दिया। क्या कर दिया? फिर से हीट कर दिया। और फिर से ये एक आपका देखिए क्या बोला, बिटवीन हाई प्रेशर, ये आपकी हाई प्रेशर टर्बाइन है और फिर से हमने लो प्रेशर टर्बाइन में इसको क्या किया? एक्सपैंड कर दिया। यानी कि एक टर्बाइन में एक्सपैंड ना करके हमने बीच बाद दोबारा फिर से रीहीटिंग करी और दूसरे टर्बाइन में फिर से एक्सपैंड कर दिया। तो देखिए पहले केस में आपको टर्बाइन का वर्क इतना मिल रहा था, अभी टर्बाइन का वर्क क्या मिला? दिस प्लस दिस, टर्बाइन का वर्क क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर गाइस टर्बाइन का वर्क बढ़ गया तो डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाई ये क्या होगी? एफिशिएंसी। तो डब्ल्यू नेट अगर बढ़ गया यानी कि टर्बाइन का वर्क बढ़ गया, तो डब्ल्यू नेट क्या होता है? टर्बाइन माइनस कंप्रेशर होता है अपॉन हीट सप्लाई। टर्बाइन का वर्क बढ़ गया यानी कि पॉजिटिव वर्क आपका बढ़ गया। अगर पॉजिटिव वर्क बढ़ गया तो आपकी एफिशिएंसी भनाभन बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पाते हैं डियर। चलिए आंसर करिए फास्ट सभी लोग। इन अ गैस टर्बाइन प्लांट द रीजनरेशन इज डन टू, चलिए मैं आपको फटाफट बताता हूं रीजनरेशन क्या होता है। वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यही उम्मीद है आप लोगों से। चलिए गाइस, तो रीजनरेशन देखिए क्या होता है गैस टर्बाइन पावर प्लांट में। यहां पर आपका क्या है? कंप्रेसर। यहां पर आपका गाइस क्या है? आपका कंप्रेसर यहां पे है, ठीक है। कंप्रेसर में एयर गई, यहां पर कंप्रेसर में एयर गई, ये एयर यहां से गई और कंप्रेसर के लाइक यहां से कंप्रेसर से एयर निकली, एयर कंप्रेसर में कंप्रेस हुई, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और इसको हमने कंबशन चैम्बर में भेज दिया। तो एयर यहां पे हीट को गेन करती है, एयर गर्म होती है और गर्म होकर टर्बाइन में एक्सपैंड करती है। क्या एक्सपैंड करती है? टर्बाइन में एक्सपैंड करती है। अब ये जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो टर्बाइन से एग्जॉस्ट निकल रहा है गाइस, इसी को हम क्या करते हैं? रीसर्कुलेट कर देते हैं कंप्रेसर के एग्जिट पे। इसी टर्बाइन के एग्जॉस्ट को हमने क्या कर दिया? रीसर्कुलेट कर दिया कंप्रेसर के एग्जिट पे, और इसे ही बोलते हैं रीजनरेशन। जब हमने ऐसा किया तो फायदा क्या हुआ? फायदा इसका यह हुआ यार, कंबशन चैम्बर में एयर जा रही है, यहां पे हीट सप्लाई हो रहा है, यानी कि एयर क्या हो रही है? हीट को खा रही है। तो अगर हम एयर को पहले ही गर्म कर देंगे तो हीट की सप्लाई थोड़ी कम देनी पड़ेगी, हीट की सप्लाई थोड़ी कम देनी पड़ेगी, है ना। तो यहां से हमारी हीट की सप्लाई कम हो जाएगी, पावर पावर तो सेम रहेगा क्योंकि टर्बाइन से पावर सेम मिलेगी। अब पावर कॉन्स्टेंट है, हीट की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि हमने एयर को प्री हीट कर दिया, पहले ही गर्म कर दिया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी प्लांट की? इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। डियर दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल, जो बच्चे कंफ्यूज में है। यस अंकित गुप्ता जी, मैंने बोला था, लेकिन अंकित मैंने सर्च किया आईओटी का पेपर, मतलब मैंने देखा बहुत सारे पेपर, मैंने आई वेबसाइट पर भी देखा उसका, जो भी आपका पेपर है टाटा स्टील का उसकी वेबसाइट मैंने चेक किया, लेकिन मुझे डियर वो कोई ऑथेंटिक पेपर मिला नहीं। तो अब अनऑथेंटिक पेपर कैसे सॉल्व करा दें, है ना। चलिए इसका आंसर करते हैं। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन अकर्स इन अ स्टीम एक्सपेंडिंग थ्रू अ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल बिकॉज ऑफ द डिले इन, बताइए। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन अकर्स इन अ स्टीम एक्सपैंडिंग थ्रू अ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल बिकॉज ऑफ द डिले इन। गाइस इसका आंसर सिंपल है, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कब होगी? अगर एक्सपेंशन, अगर आपका कंडेंसेशन प्रोसेस में डिले हो रहा है, यार कंडेंसेशन टाइम पे नहीं हुआ, यानी कि क्या हो गई? स्टीम क्या हो गई? सुपर सैचुरेटेड हो गई। अगर आपका कंडेंसेशन टाइम पे नहीं हुआ, अगर कंडेंसेशन पहले ही हो जाता तो जो स्टीम थी वो कंडेंस हो जाती, लेकिन कंडेंसेशन में डिले हो गया, इस वजह से स्टीम क्या हो गई? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ गई। किसमें? सीडी नोजल में। सीडी नोजल में कंडेंसेशन आपका टाइम पे नहीं हो पाया, इस वजह से स्टीम क्या हो गई? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ गई। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है गाइस, इस तरह से दिमाग नहीं लगाना, रैपिड फायर में करते हैं, जहां पे जरूरत होगी वहां मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, चाहे रीहीटिंग हो, चाहे सुपर कूलिंग हो, चाहे सब कूलिंग हो, जो भी हो, इंटरकूलिंग हो, वो हम एक्सप्लेन करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बात है। इन अ नोजल डिजाइन टू प्रोड्यूस अ सुपरसोनिक जेट द फ्लो इन द कन्वर्जन सेक्शन विल ऑलवेज बी, अभी किसमें पूछा डियर? कन्वर्जन सेक्शन में पूछा है। किसमें पूछा है? एक बार गाइस सब लोग सेशन को फटाफट लाइक कर देंगे, जो भी नए बच्चे आए हैं फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी जल्दी एवरीवन। चलिए तो यहां पे देखिए, इन अ नोजल डिजाइन टू प्रोड्यूस अ सुपरसोनिक जेट द फ्लो इन द कन्वर्जन सेक्शन विल ऑलवेज बी, कन्वर्जन सेक्शन में फ्लो पूछा है, हमेशा क्या होगा? तो कन्वर्जन सेक्शन में जो फ्लो होगा हमेशा वो क्या होगा? जरा देखिए, जो जो कन्वर्जेंट सेक्शन ये है, डाइवर्जेंट सेक्शन ये है, थ्रोट ये है,
फ्रोड पे गाइस क्या होता है, डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाता है और यहां पे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आपको मिलता है। क्या मिलता है? क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो आप जानते हैं क्या होता है, 2/(n-1) 2/(n+1)/(n)-1 ऐसा कुछ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहां पे कन्वर्जन सेक्शन में जो फ्लो होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसोनिक होगा। इस थ्रोट पे क्या होगा, सोनिक, और इस सेक्शन में जो डिफ्यूजर टाइप का सेक्शन है, दिस इज काइंड ऑफ नोजल, दिस इज काइंड ऑफ डिफ्यूजर। सो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सुपरसोनिक फ्लो आपको मिलेगा यहां पे, और सबसोनिक कहां मिलेगा, इसमें कन्वर्जन पोर्शन में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे पूछा है कन्वर्जन सेक्शन में क्या मिलेगा, तो सबसोनिक फ्लो आपको मिलेगा। चलिए आंसर करिए सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी। यस, डिफ्यूजर क्या होता है डियर, डिफ्यूजर देखो जनरली क्या होता है ना, देखो जनरल बता रहा हूं डिफ्यूजर क्या होता है, दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल। यस गाइस, डिफ्यूजर जनरली क्या होता है गाइस, डिफ्यूजर होता है आपका काइनेटिक एनर्जी को यूज करके प्रेशर को बढ़ाता है, और नोजल उल्टा होता है, प्रेशर एनर्जी को यूज करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए, इन इंपल्स टर्बाइन द एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस इन, स्टीम जो इंपल्स स्टीम टर्बाइन होती है उसमें एंथैल्पी ड्रॉप किसमें होती है, बताइए, आंसर करिए फास्ट जल्दी जल्दी गाइस। इन इंपल्स स्टीम टर्बाइन द एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस इन, जो एंथैल्पी स्टीम की ड्रॉप होती है वो किसमें होती है गाइस, तो ये होती है नोजल में। किसमें होती है, नोजल में। इंपल्स टर्बाइन में जो एंथैल्पी का ड्रॉप होता है वो सिर्फ किसमें होता है, नोजल में होता है, और नोजल में जब एंथैल्पी का ड्रॉप होता है, यानी कि एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी का ड्रॉप हुआ, प्रेशर का ड्रॉप हुआ, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए गाइस जो आपका, हम क्या बोलते हैं, जो आपका इंपल्स टर्बाइन होती है ना, उसमें मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता। किसमें होता है, सिर्फ नोजल में प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो मुझे बताइएगा कि डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपल्स टर्बाइन की कितनी होती है, जो नए बच्चे हैं मुझे बताएंगे जरूर कि डिग्री ऑफ रिएक्शन इंपल्स टर्बाइन की कितनी होती है। चलिए गाइस, आंसर करेंगे सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी, एवरीवन, यस, वेरी गुड। डिग्री ऑफ रिएक्शन किसके कितनी होती है, जीरो होती है। किसके लिए, इंपल्स टर्बाइन के लिए, क्योंकि इंपल्स टर्बाइन जो होती है उसमें मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता, एंथैल्पी का ड्रॉप नहीं होता, टेंपरेचर का ड्रॉप नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन द गैस इन अ कूलिंग चैम्बर ऑफ क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन इज कूल्ड एट, आंसर करेंगे सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी, वेरी गुड। जो गाइस देखिए, जनरली जो कूलिंग होती है, जो हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, वो जनरली किसमें होता है, या तो बॉयलर में होगा, या तो कंबशन चैम्बर में होगा, या तो इंटरकूलर में होगा, या तो हीट एक्सचेंजर में होगा। ये सब कैसी डिवाइस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइस होती है। अब देखिए, दो तरह की साइकिल हमारे पास होती है गैस टर्बाइन की, एक ये कंप्रेसर है, क्या है, कंप्रेसर, यहां है कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर, और यह है आपकी टर्बाइन। मान लीजिए मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं, यहां से एयर गई, अब इस एयर, यहां पे एयर गई कंप्रेसर में, कंप्रेस हुई, आप कंबशन चैम्बर में गई, एयर ने हीट को गेन किया, फिर ये गई टर्बाइन में, एक्सपैंड हुई। अब अगर ये एयर आफ्टर एक्सपेंशन आपने एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया, अगर ये एयर एक्सपैंड हुई टर्बाइन में, उसके बाद एयर बाहर निकली टर्बाइन से और आपने डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया, ऐसे साइकिल को हम बोलते हैं क्या, ओपन साइकिल प्लांट। क्या बोलते हैं, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। लेकिन अगर इसी एयर को आप बार बार रीसर्कुलेट कर रहे हैं यूजिंग हीट एक्सचेंजर इन बिटवीन, लाइक इंटरकूलर इन बिटवीन, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो आपसे पूछा है कि क्लोज साइकिल में, गैस टर्बाइन पावर प्लांट में जो एयर होती है वो कूलिंग चैम्बर उसका क्या होता है गाइस, तो ये इंटरकूलर हम बीच में यूज करते हैं, जो एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। तो ये किस पे काम करता है गाइस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ये काम करता है। ठीक है, कूलिंग, हीटिंग, ये सब जो फेस चेंज, ये सब किस पे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द पावर कंज्यूम्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विल बी मिनिमम इफ द कंप्रेशन फॉलोज द थर्मोडायनेमिक, आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। यस, फीडबैक मिले तो क्लोज साइकिल और ना मिले तो ओपन साइकिल, बिल्कुल। चले गाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौरभ जी सॉरी यार, मैं इलेक्ट्रिकल का क्लास मतलब मैं डियर सर्च किया था आपका आईओटी का, बट वो मुझे मिला नहीं डियर, इस वजह से मैंने सोचा यार जब पेपर ऑफिशियल नहीं मिला फिर कैसे कराएं क्वेश्चन। अब मेरे को भी आइडिया नहीं ना वो क्वेश्चन किस लेवल के पूछते हैं। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विल बी मिनिमम इफ द कंप्रेशन फॉलोज अ थर्मोडायनेमिक, अभी मैंने आपको बताया कि पावर कंज्यूम्ड मिनिमम कब होगा, जब कंप्रेशन कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया इससे थोड़े से पहले कि अगर पावर रिक्वायर्ड मिनिमम कब होगा, जब आपका कंप्रेशन जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, द प्रेफर्ड टाइप ऑफ पंप फॉर अ स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड, अगर आपको स्मॉल डिस्चार्ज चाहिए, डिस्चार्ज आपको स्मॉल चाहिए और हेड बहुत ज्यादा है, नल के पानी पियो कभी हैंडपंप पे, अगर आप हैंडपंप जाएंगे पानी पीने कभी देखेंगे आप, अगर आप हैंडपंप गए होंगे तो आप देखे होंगे वहां पे कि उसकी पाइप बहुत नीचे तक होती है, बोरिंग बहुत नीचे तक है,
बोरिंग बहुत नीचे तक है लेकिन डिस्चार्ज काफी कम आता है, डिस्चार्ज काफी कम आता है। तो समझिएगा डिस्चार्ज काफी कम है और बोरिंग उसकी बहुत ज्यादा है, 250-150 फीट डिपेंडिंग अपॉन द वाटर लेवल इन योर एरिया, कि आपके एरिया में वाटर का लेवल क्या है। तो हेड बहुत ज्यादा है, डिस्चार्ज बहुत कम है गाइस। ऐसे पंप को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप, यानी कि यू कैन कॉल इट एज अ हैंड पंप। क्या बोल सकते हैं? हैंड पंप। और हैंड पंप से समझिएगा, हैंड पंप जो मैकेनिज्म होती है गाइस, ये 4-बार चेन की मैकेनिज्म है। किसकी? सॉरी, हैंड पंप जो मैकेनिज्म है गाइस ये किसकी है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की, क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। हैंड पंप जो है आपका वो किसका इन्वर्जन है? सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है, जिसमें हम किसको फिक्स करते हैं? स्लाइडर को। सिलेंडर बदल दीजिएगा कभी एग्जाम में, अगर आ जाए मान लीजिए आपकी कल ही एग्जाम में आ जाए, तो ये बदल देना सिलेंडर फिक्स है। क्या फिक्स होता है? स्लाइडर, या स्लाइडर फिक्स होता है, इसे बोलते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन। अगले क्वेश्चन पाते हैं, रिपीट क्वेश्चन 25। सचिन जी क्वेश्चन 25 तो बहुत पीछे चला गया यार। आंसर करिए सब लोग फास्ट। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन, जो स्पेसिफिक स्पीड है हाइड्रोलिक टर्बाइन की गाइस, देखिए अब देखिए जो बच्चे नए हैं यहां पे, जो बच्चे कल टाटा स्टील जेईटी का एग्जाम देने जाएंगे, उनको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं क्वेश्चन को याद करने की, स्पेसिफिक स्पीड का आप कभी नहीं भूलेंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पेसिफिक स्पीड में, आपको एक सेकंड में बता रहा हूं। देखिए स्पेसिफिक स्पीड जो टर्बाइन होती है गाइस ना, वो होती है N√P/S^5/4। और जो पंप का होता है वो क्या होता है? ये किसकी है गाइस? टर्बाइन की। और जो पंप की स्पेसिफिक स्पीड होती है वो होती है N√Q/S^3/4। अब देखिए एक ट्रिक समझिएगा ध्यान से, ये किसकी है? पंप की है। और ये किसकी है? टर्बाइन की। जो नए बच्चे हैं ध्यान समझ लीजिएगा, आपको कभी ये भूलेगा नहीं। यस डियर क्लास, सिर्फ मैकेनिकल के लिए, शुभांगिनी राज जी, ठीक है। तो देखिए गाइस ये पंप है और ये क्या है? टर्बाइन। अब देखिए दोनों में नीचे एच है, दोनों में नीचे क्या है? एच। अब टर्बाइन से हमको, और देखिए बाई फोर इसमें भी है, बाई फोर इसमें भी है। अब यहां पे क्या है? फाइव है, इसमें क्या है? थ्री है। याद कैसे रखेंगे? टर्बाइन से हमको पावर मिलती है, मिलती है तो चार से ज्यादा यानी कि पांच। पंप में पावर देनी पड़ती है, यानी कि पंप में पावर कंज्यूम होती है, पंप पावर लेता है, निगेटिव, चार से कम, तो कितना जाएगा? थ्री। यहां पे यह चीज आपको याद हो जाएगी। अब देखिए जब एक में, दोनों में एन है, एक में पी है, एक में क्यू है, जब आप पंप की बात करेंगे, जब आप अगर आप पंप में, अगर आपने पंप में यहां पे लिखा पी, क्या लिखेगा? अगर आपने लिखा यहां पे पी, ठीक है, तो देखिए गाइस ये टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड है, मैंने बताया एच क्या होगा, यहां पे ज्यादा है तो फोर से ज्यादा पांच, और यहां पे क्या आ जाएगा? चार से कम थ्री, क्योंकि पंप क्या करता है? पावर को कंज्यूम करता है, और टर्बाइन क्या करता है? पावर को देता है, ठीक है। सो गाइस ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे एच 5/4, 3/4, एन यहाँ पे, यहाँ पे बस आप इस तरह से भी याद कर लीजिए, पंप वाला पी यहाँ लिख दीजिए, बाकी जो बचेगा वो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और मैं पंप नहीं हूं, वो वाला तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा जाने दीजिए, उसको शॉर्टकट में याद करिए और आसान है। चलिए इसका आंसर करते हैं, एन एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टर्बाइन इज कॉल्ड। अब देखिए ये आपकी जो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होती है वो दो तरह की होती है ना। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है, अजीत आजाद जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैच ऑलरेडी चल रहा है सर, मोहित सर पढ़ाते हैं। नहीं डियर प्रियल जी, ये दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल डियर, दिस क्लास इज ओनली फॉर मैकेनिकल प्रिया जी, ये सिर्फ मैकेनिकल के बच्चे। चलिए एक एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टर्बाइन जो है वो उसे क्या बोलते हैं गाइस? तो इसे हम बोलते हैं कैप्लन टर्बाइन। अब देखिए कैप्लन टर्बाइन और प्रोपेलर टर्बाइन, जो कैप्लर टर्बाइन होती है और प्रोपेलर टर्बाइन, उसे वो दोनों ही एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रोपेलर टर्बाइन होती है गाइस वो लाइक आपके उसमें एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स नहीं होती, और कैप्लन टर्बाइन में एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं, चलिए फास्ट करते हैं गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी। अजीत आजाद जी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मोहित सर का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, मोहित सर से पूछ लीजिए कि सर आप की क्लास कब चलती है, ठीक है। और वैसे अभी रात में मोहित सर की क्लास 10 बजे चलती है वैसे, मंडे से फ्राइडे, तो आप उनसे क्लास में आके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब आप गाइस समझिए, आपको स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की दिया है, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए बताइए क्या होगा? फ्लोटिंग, एक फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होगी? फ्लोटिंग और सबमर्स्ड बॉडी क्या होती है? फ्लोटिंग बॉडी का मतलब है जो डूबी नहीं है, जो तैर रही है। सबमर्स्ड बॉडी का मतलब जो डूबी हुई है ना। तो फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है गाइस? जब मेटा सेंटर उसका अबव होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मेटा सेंटर जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो बॉडी क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है फ्लोटिंग बॉडी। समझिएगा, अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है, अगर मेटा सेंटर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, या सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी तो छोड़ो, जनरली क्वेश्चन में क्या आता है? मेटा सेंटर अबव जी।
तो अगर जी से ऊपर होगा तो बी से ऊपर तो होगा ही है ना। तो अगर मेटा सेंटर ग्रेविटी से ऊपर है जिसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मेटा सेंटर जी से नीचे है इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर मेटा सेंटर कोइंसाइड कर रहा है जी से तो इसे बोलते हैं आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, किसके लिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए। अगले क्वेश्चन बात है डियर, ठीक है डियर, चलिए आंसर करते हैं फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं डियर नहीं आकाश, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से क्या मतलब डियर, मेटा सेंटर तो आएगा ही ना। नवीन जी प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम सर। बच्चे प्रिया बच्चे आईओटी का सिलेबस मतलब मिल नहीं रहा बच्चे, मैंने बहुत सर्च किया बट वो मिल नहीं रहा डियर, पता नहीं कैसे ही टाटा स्टील वालों ने पता नहीं क्यों सिलेबस नहीं दिया उसमें, समझ नहीं आ रहा। चलिए, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड एक्ट्स एज। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में, बहुत सारे जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर। नहीं डियर, एवरीवन इज रॉन्ग, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। 28 का आंसर क्या है, कौन पूछ रहा है, विनोद जी पूछ रहे हैं क्या, विनोद जी आप 28 में भी अटके हैं। 28 का आंसर है गाइस, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स ऑन किस पे यार, देखो ना स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन किसकी है, स्पीड है, आरपीएम है, स्पीड पावर और हेड, स्पीड पावर और हेड, ऑप्शन डी है, पूरा फॉर्मूला तो बता दिया मैंने आपको। चलिए गाइस, चलिए इसका आंसर बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर। प्रेशर हमेशा कहां लगता है गाइस, वर्टिकल अपवर्ड। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड, अगर कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स्ड है तो सारे प्रेशर का रिजल्टेंट कहां लगेगा, हमेशा नॉर्मल लगेगा। कैसे लगेगा, हमेशा नॉर्मल कैसे लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड। कैसे लगेगा, हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, ऑप्शन इज सी, यस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द क्रेटर वियर, आइए अब आते हैं थोड़ा प्रोडक्शन में आते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्शन में आते हैं। अब बताइए इसका आंसर, द क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन, गाइस वी आर लैगिंग, अभी हम लैग कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं ना। चलिए गाइस आंसर करते हैं फास्ट जल्दी जल्दी, यस। क्रेटर वियर किसमें प्रीडोमिनेंट होता है, यानी क्रेटर वियर किसमें ज्यादा होता है, क्रेटर वियर किसमें ज्यादा होता है। तो क्रेटर वियर गाइस कौन सा वियर होता है, पहले तो ये समझिए कि जो टूल होता है ना कटिंग टूल, उसकी दो फेस होती हैं। ये फेस होता है रेक, कौन सा फेस होता है रेक, जिसपे चिप फ्लो करते हैं, जिस फेस पे चिप फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं रेक फेस, और जो पीछे वाली फेस होती है इसको बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं, फ्लैंक। तो इस फेस पे जो वियर होता है रेक फेस पे उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर। और ये क्रेटर वियर ज्यादा कहां होता है गाइस, टंगस्टन कार्बाइड टूल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड टूल में टंगस्टन है और कार्बन, टंगस्टन कार्बाइड यानी कि टंगस्टन और कार्बाइड है। तो जब जब देखो जब मशीनिंग होती है ना तो उसमें हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। तो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये टंगस्टन और कार्बन अलग अलग डिसोशिएट हो जाते हैं, टंगस्टन अलग कार्बन अलग, ये दोनों डिसोशिएट हो जाते हैं। और ये जो टंगस्टन है ये क्या करता है, चिप के मटेरियल में जाके डिफ्यूज जाता है, इसे बोलते हैं क्रेटर वियर। क्या बोलते हैं, क्रेटर वियर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका टंगस्टन कार्बाइड टूल। अगले क्वेश्चन बात है डियर, ओके अगले क्वेश्चन बात है डियर। महतो जी इलेक्ट्रिकल क्लास नहीं है डियर, ये इलेक्ट्रिकल क्लास नहीं है। ठीक है चलिए, दिस क्लास इज फॉर मैकेनिकल डियर। अगले क्वेश्चन बात है, चलिए गाइस आंसर करें सब लोग फास्ट। कंसीडर द फॉलोइंग वर्क मटेरियल, कंसीडर द फॉलोइंग वर्क मटेरियल। ओके आपको बताना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी इन मशीनिंग। मशीनिंग किसकी डिफिकल्ट होगी, ऑब्वियसली मशीनिंग उसकी डिफिकल्ट होती है जो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। अगर कोई हार्ड है मतलब उसका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत फाइन है, बहुत पास पास है, और जिनका बॉन्ड बहुत पास हो आप उसे काट नहीं सकते। जिंदगी में जिसका बॉन्ड बहुत तगड़ा है आप उसे कभी काट नहीं सकते। तो मटेरियल अगर हार्ड है मतलब उसका ग्रेन स्ट्रक्चर बहुत फाइन है तो आप उसको काट नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हार्ड इसमें क्या है, टाइटेनियम, यानी कि टाइटेनियम की मशीनिंग सबसे टफ हो जाएगी। देखिए टाइटेनियम इन दोनों को तो हटा दीजिए क्योंकि सबसे लास्ट में आएगा टाइटेनियम। आपको लिखना है जिसकी मशीनिंग सबसे डिफिकल्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे लास्ट में क्या आएगा, टाइटेनियम। तो ऑप्शन बी ऑप्शन डी खत्म। अब देखिए गाइस टाइटेनियम सबसे हार्ड है, सबसे आसान मशीनिंग किसकी है, सबसे आसान मशीनिंग होती है गाइस यहां ये 3 है, सबसे आसान मशीनिंग होगी आपकी माइल्ड स्टील की, क्योंकि ये क्या है, लो कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील क्या है, माइल्ड माइल्ड है, माइल्ड स्टील है जिसकी, जो बहुत लो कार्बन का स्टील है। साउंड नहीं आ रही है, कृष्णा जी अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए, साउंड बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे माइल्ड स्टील लगाई, यानी कि इसमें कार्बन बहुत कम, इसकी हार्डनेस कम है, तो आप इसकी मशीनिंग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे आसान है माइल्ड स्टील की मशीनिंग करना, उसके बाद है ग्रे कास्ट आयरन, उसके बाद है आपका स्टेनलेस स्टील, फिर लास्ट में है
टाइटेनियम की मशीनिंग करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैलीग्राफी जी, थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं डियर, आंसर करते हैं सब लोग फास्ट। संजय जी कम से कम अटेम्प्ट एटलीस्ट 80% क्वेश्चन, अटेम्प्ट एटलीस्ट 80% क्वेश्चन। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी अटेम्प्ट एटलीस्ट 80% क्वेश्चन। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ओबीसी या जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है, कोशिश करिए कि 70 से 75 तक अटेम्प्ट करें, और जो बच्चे एससी कैटेगरी में है 60 से 70% के बीच में आप अटेम्प्ट जरूर करिए, वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे प्राइमरी टूल फोर्स इन कैलकुलेटिंग द टोटल पावर कंजम्पशन इन मशीनिंग, तो जो सबसे मेन प्राइमरी फोर्स है गाइस मशीनिंग में पावर कंज्यूम करने वाला, वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल फोर्स। मशीनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा होता है? टेंजेंशियल फोर्स। क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स। यस विद एक्यूरेसी। यस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लोअर्ड बाय। अब चलिए गाइस देखिए, ये इंडस्ट्रियल का जो क्वेश्चन है ना, जो इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिकल वालों में भी आता है। अब जैसे कल मैं इंडस्ट्रियल क्वेश्चन करा रहा था, जब कल की मैं क्लास में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन करा रहा था, तो कुछ इलेक्ट्रिकल के बच्चे थे, वो मुझसे कह रहे थे सर ये हमारे सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ी है। तो बच्चे होता है ऐसा। आरआरबी जेई भी जब मैकेनिकल वाले देने जाते हैं ना, आरआरबी जेई जब मैकेनिकल, जैसे अभी डीडीए जेई का एग्जाम है, तो मैकेनिकल वाले जब डीडीए जेई देने जाएंगे ना, तो उनके दिमाग से भी ये ट्रांसफार्मर ऊपर उड़ेगा। तो वो एग्जाम की स्पेशलिटी है, आपको गाइस तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर एग्जाम में कुछ चीज पूछी गई तो आपको तो करना ही पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लोअर्ड बाय। गाइस देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इंडस्ट्री में जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो गाइस ब्रेक इवन पॉइंट क्या होती है? क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होती है गाइस? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे बच्चे, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आईओटी का सिलेबस भी है आपका, लाइक इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का सिलेबस है, वो बिल्कुल आ सकता है इसमें, इससे क्वेश्चन, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट गाइस क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए, अगर आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, अगर आप सेलिंग कॉस्ट घटाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, अगर आप वेरिएबल प्राइस बढ़ाएंगे, अगर आप वेरिएबल प्राइस बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, ये ज्यादा होगा, ये पूरा फ्रैक्शन कम होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। आपसे क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी लोअर्ड बाय, घटा कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द फिक्स कॉस्ट नहीं, अगर आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, सो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगी, ये भी गलत है। डिक्रीजिंग द स्लोप ऑफ नहीं, रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, आपने इस वी को रिड्यूस किया, अगर आपने इस वी को रिड्यूस किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर वी को आपने रिड्यूस किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? आपसे क्या पूछा है? लोअर्ड बाय। अगर आपने वी को रिड्यूस किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से फिर से बता रहा हूं आपका। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है आपका एस माइनस वी, आपने वी को क्या किया? रिड्यूस किया। क्या बोला? रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस किया, है ना। जैसे 100 है, 100 में से आपने 20 घटाया, या फिर 100 में से आपने 30 घटाया, तो जैसे जैसे आप घटाते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही है ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा? मैंने आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा? बताइए जल्दी, फास्ट जल्दी बताइए। इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, आपको लोअर करना है इस पॉइंट को, आपको पॉइंट को लोअर करना है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट अगर आप बढ़ा देंगे ना, ये वैल्यू घट जाएगी और ये वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू घट जाएगी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी आ जाएगा, रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट। देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ दीपक, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं ना, कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे आरआरबी जेई में क्या होता था 2014 तक, अब तो चेंज हो गया पैटर्न, लेकिन 2014-15 में जब आरआरबी जेई का पेपर आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल का इतना सेक्शन भर गया, इलेक्ट्रिकल आ गया, सॉयल आ गया, सॉयल के बारे में पूछ लिया, तो वो बच्चे कहाँ से कर पाएंगे? तो बच्चों का दिमाग चकरा जाता है ऐसे टाइम पे। चलिए इसका आंसर करते हैं गाइस। नहीं, तुक्का मारने कोई जरूरत नहीं दी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको आंसर कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। मैंने आपसे बोला ना कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये सेशन ही लिया किसका, टाटा स्टील जेईटी का, तो मुझे पता है कि उसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। गाइस आपसे क्या पूछा है? ईओक्यू पूछा है। क्या पूछा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है गाइस? कल मैंने आपको कराया था, क्या होती है? 2DC0/CH। अब ध्यान से समझिएगा, जो डिमांड होती है वो एनुअल होती है। डिमांड क्या होगी? एनुअल। यहां क्या दिया है? डिमांड क्या दिया है? 60 पर मंथ।
तो मैं यहां पर लिखता हूं 2 × D, डिमांड कितना है 60 पर मंथ, लेकिन मुझे एनुअल निकालना है 12 महीने का, इंटू सी नॉट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है 12 पर ऑर्डर, तो इसको लिख लीजिए 12 अपॉन सी एच, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 10 पर यूनिट पर मंथ, होल्डिंग कॉस्ट भी किसकी आप लेंगे एनुअल लेंगे, क्या लेंगे एनुअल लेंगे, तो एक महीने की 10 है तो एनुअल कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिएगा इस यहां पे 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 2 = 12, 12 × 12 अंडर रूट 12 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, लिस्ट को मैच करना है गाइस, दिस इज फॉर कैंटिलीवर, ये कैंटिलीवर के लिए दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर के लिए दिया हुआ है, आंसर करिए फास्ट सभी लोग जल्दी जल्दी, बिल्कुल आएगा अभिनय जी, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, न्यूज बताऊंगा मैं आप लोगों को जल्दी, टेंशन मत ले, सारे एग्जाम आएंगे, मैंने आपसे बोला कि जब चुनाव आते हैं तो सारे एग्जाम नजदीक आते हैं, तो बस आप लोग तैयारी करिए, कमर कस के तैयार रहिए, जो भी बच्चे इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, जो भी बच्चे हैं आप अपनी फील्ड में जहां भी हैं, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, जहां पे भी हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी एग्जाम के लिए है तो आप तैयारी जम कर करें दोस्त, क्योंकि तैयारी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, आपको वो करना ही पड़ेगा। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं गाइस क्या होगा, देखिए कैंटिलीवर बीम अगर है ना, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे आपने कोई लोड लगाया लाइक डब्ल्यू और इसकी लेंथ है एल, तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा मैक्सिमम डब्ल्यू एल, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा डब्ल्यू एल, यानी कि ए का वन सही है। अब देखिए डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो आप सबको पता है कि इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 EI, ये हो जाएगा इसका डिफ्लेक्शन, यानी कि डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डी का 3 और ए का 1, देखिए कहां पे है ए का 1 डी का 3 कहां पे है, ऑप्शन बी ए का 1 और डी का 3। अब देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI, कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा 2, और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, देखिए स्ट्रेन एनर्जी होती है आपकी हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, तो देखिए हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन कितना होगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3 EI, तो डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6 EI ये हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी गुड, एलपी का भी आएगा डियर अभिनय जी, एलपी का भी आएगा, जेई का भी आएगा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी आएगा, ठीक है, आई थिंक बीच में कुछ ऐसा कुछ आई थिंक आरआरबी अजमेर से कुछ ऐसा सुनने को आया था, दिस इज नॉट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, बाद मत कहना सर ने बोला, आरआरबी जेई अजमेर से ऐसा कुछ सुनने को आया था कि आई थिंक वैकेंसी जो होगी वो आई थिंक आफ्टर अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर के आसपास आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आंसर सब लोग करेंगे फास्ट जल्दी जल्दी एवरीवन, चलो 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 आंसर करो। तो भाई अगर पॉइजन रेशियो मटेरियल का 0.5 है देन इलास्टिक मॉडुलस, अब ये 4 नहीं है ये 4 है, क्या है FOUR है, क्या है 4 टाइम्स, सो गाइस देखिए पॉइजन रेशियो क्या है मटेरियल का 0.5 है, आपको पता है कि इलास्टिक मॉडुलस जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट है उनका रिलेशन, हाँ जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं बच्चे इलास्टिक मॉडुलस का जो इलास्टिक जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनका फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। लकी अच्छा तुम भी हो, चलो लकी वेलकम टू सेशन, गुड इवनिंग। चलिए गाइस तो यहां पे ओके तो यहां पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 2g 1 + μ हो जाएगा। अब देखिए म्यू कितना दिया है 0.5, सो 1.5 × 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी कि इलास्टिक मॉडुलस 3 टाइम्स हो जाएगा किसका शियर मॉडुलस का, 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस। अगले क्वेश्चन पाते हैं, तैयार हो जाए गाइस, मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए आपको आरआरबी का जो अनाउंसमेंट है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जगमोहन डालमिया साहब, मैं आपसे बता दूं, अच्छा एक कंफ्यूजन है गाइस आप लोगों में, मैं आपको एक कंफ्यूजन जरा क्लियर कर दूं, आरआरबी जेई एसएससी जेई एनी गवर्नमेंट एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट एनी गवर्नमेंट एग्जाम, बैक वैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैक वैक जो है ना ये आपके कॉलेज की लाइफ की चीजें हैं, इसका असर आपकी बाहर जिंदगी पे नहीं है, बट आपका डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है 50-60% वो आपका होना चाहिए, बैक हो चाहे बाहर में जाए बैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टेंशन मत लो यार, जिसकी भी जो भी आप बीटेक करें डिप्लोमा करें आप जम के पढ़ाई करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए ऑटो फ्रिटेज किसका मेथड है बताइए, ऑटो फ्रिटेज क्या होता है गाइस बताइए, व्हाट इज ऑटो फ्रिटेज, मशीन डिजाइन क्वेश्चन, ऑटो फ्रिटेज क्या होता है बताइए, या यू कैन से दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑटो फ्रिटेज क्या होता है, ऑटो फ्रिटेज होता है गाइस देखिए जैसे कोई आपका एक थिक सिलेंडर है,
आपका कोई बहुत थिक सिलेंडर है, क्या है, बहुत थिक सिलेंडर। अब आज में आप इसमें कोई फ्लूड रखना चाहते हैं लाइक हाई प्रेशर पे, ध्यान समझिएगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कि मालगाड़ियां होती है ना, रेलवे होती है, मालगाड़ी होती है, तो बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाती है, बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाती है जिसमें आपकी लाइक एलपीजी सप्लाई हो रही है या कोई पेट्रोलियम सप्लाई हो रहा है, तो फ्लूड मतलब लेके जाते हैं, लिक्विड लेके जाते हैं, तो उनमें हाई प्रेशर में लिक्विड भरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एलपीजी है, एलपीजी आपका क्या है, थिक सिलेंडर है ना, तो उसमें हाई प्रेशर में भरा होता है आपका क्या, एलपीजी गैस। अब ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो एलपीजी का सिलेंडर फट जाए, तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए पहले ही उसको प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए, उसको पहले से स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो फ्रिटेज करते हैं। ऑटो फ्रिटेज में क्या होता है, किसी सिलेंडर में हम बहुत सारा फ्लूड अंदर भरते हैं और उसको हाई प्रेशर पे उसको हम मतलब उसको टेंस करते हैं, हाई प्रेशर पे हम उसके अंदर, इसके अंदर हमने फ्लूड को भरा बहुत हाई प्रेशर पे, तो ये फ्लूड क्या करेगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसको प्री स्ट्रेस कर देगा, इसको एलोंगेट करेगा, इसकी हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं ताकि बाद में ये फट ना जाए। तो ऑटो फ्रिटेज का जो मेथड है गाइस वो क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग अ थिक सिलेंडर, इसकी मजबूती को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो फ्रिटेज करते हैं ताकि ये इतने लोड को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस सब लोग फास्ट आंसर करेंगे जल्दी जल्दी इसका। एक्सटर्नल गियर टीथ विद 60, एक्सटर्नल गियर विद 60 टीथ मैशेस विद पिनियन ऑफ 20 टीथ मॉड्यूल बीइंग 6 एमएम, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस इन एमएम। और सभी लोग अभी गाइस एक घंटे की अपनी क्लास बची है, फटाफट सेशन को शेयर करेंगे, जो नए वाले बच्चे हैं वो सेशन को शेयर करेंगे फटाफट जल्दी, जो अभी आए हैं और सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अभी एक घंटे क्लास बाकी है और आपका कल टाटा स्टील जेईटी का पेपर है, तो जितने बजे भी पेपर है आपका, कल शाम को मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए 6 बजे के एनालिसिस, और मोहित सर लेके आ रहे हैं 2 से 2:30 बजे के एनालिसिस, उनकी है मोहित सर की शायद, तो आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा, हम आपसे बातें करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे और पूछेंगे आपका पेपर कैसा रहा, इसी बहाने हमारी आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, मुलाकात तो नहीं वार्तालाप हो जाएगी। ठीक है डियर, चलिए। सो यहाँ पे एक्सटर्नल गियर है जिसमें 60 टीथ है, एक पिनियन से मैश कर रहा है, एक पिनियन से मिल रहा है जिसमें 20 टीथ है, मॉड्यूल बीइंग 6 एमएम, व्हाट इज द सेंटर डिस्टेंस। गियर ये है इसमें 60 टीथ है और पिनियन ये है जिसपे 20 टीथ है, तो सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनके बीच की, इसकी रेडियस R1 प्लस इसकी रेडियस R2, तो सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। और गाइस R1 क्या होता है, M T1/2, R2 क्या होता है, M T2/2। M क्या है, मॉड्यूल है, T1 क्या है, इसके टीथ, M क्या है, इसका मॉड्यूल, T2 क्या है, इसका टीथ। अब गाइस हमेशा समझिएगा, जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में होते हैं, जब भी दो गियर आपस में कांटेक्ट होते हैं दोनों का मॉड्यूल हमेशा सेम होता है, तो यानी कि ये मॉड्यूल मैं कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने मॉड्यूल कॉमन ले लिया और T1/2 यहां हो गया, T2/2 यहां हो गया, तो मॉड्यूल कितना है गाइस, 6 mm का मॉड्यूल है, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 इनटू अंडर रूट T1 प्लस इन ब्रैकेट T1 प्लस T2 यानी कि 60 + 20 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240। ऑप्शन कहां है, यहां है, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं डियर, आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, बिल्कुल लकी करना यार, बिल्कुल करना डियर। आपको भी सर, आपको भी सर, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, जितने भी लोग यहां पे लाइव हैं आप सभी को, भगवान शंकर के, भगवान हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के एक असीम पर्व, असीम उत्सव महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जीवन, भगवान शंकर आपके जीवन का जितना विश है उसको ग्रहण करें और आप सबको सफलता के शिखर पर विराजमान करें। ठीक है, चलिए। एक गियर है जिसमें 100 टीथ, क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं दोस्त, क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं, ऑप्शन है बहुत आसान। एक गियर है जिसमें 100 टीथ है, एक गियर है जिसमें कितने हैं, 100 टीथ, कितने हैं, 100 टीथ। दूसरा इसके ऊपर छोटू लगा है जिसके ऊपर कितने टीथ है, 25 टीथ। इन दोनों को एक आर्म से कनेक्ट कर दिया गया, किससे कनेक्ट कर दिया गया, एक आर्म से कनेक्ट कर दिया गया। आप सबको पता है कौन सी गियर ट्रेन है, ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, कौन सी गियर ट्रेन है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। आपसे पूछा कि आर्म को कितना रिवॉल्यूशन दिया गया, 1 revolution, इस आर्म को 1 revolution दिया गया, कितना, 1 revolution। तो ये जो छोटू वाला गियर है ये इसके अबाउट कितना घूमेगा, यार एक बात बताओ, ये जो छोटू वाला गियर है ना ये इसके अबाउट कितना घूमेगा, इसमें 25 टीथ है, इसके 25 टीथ, इसके 25 टीथ से कांटेक्ट में आएंगे 1 revolution, अगेन 25, इसके 25, इसके 25 कांटेक्ट में आएंगे 1 revolution, अगेन 25 कांटेक्ट में आएंगे 1 revolution, और अगेन 25 कांटेक्ट में आएंगे तो 1 revolution, यानी कि जब जब इसके 25 टीथ कांटेक्ट में आएंगे एक एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता जाएगा, तो 4 revolution तो ये हो गया, 25 में 100 में 4 revolution ये हो गया और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो इसको आर्म घुमा रहा है, जो इसको आर्म घुमा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सन के अबाउट अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है और सन के अबाउट भी घूम रही है, तो एक रिवॉल्यूशन इसको आर्म करा रहा है पूरे गियर के अबाउट, तो 4 ये और 1 ये,
चार ये और एक ये, हमेशा ध्यान रखिए गाइस, आर्म का रिवॉल्यूशन हमेशा काउंट करेंगे, कभी भूलना मत। अगर मान लीजिए आर्म तीन रिवॉल्यूशन करता, तो क्या होता, एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार घूमता, चार बार, तो तीन रिवॉल्यूशन में 12 times, एंड तीन रिवॉल्यूशन आर्म का भी। सिंपल, पहले आप ऐसे निकाल लो 25 इसका 100 इसका, चार, और आर्म जितना घूम रहा है उसको जोड़ लो, जितना आर्म घूम रहा है उसको जोड़ दो, 4 × 1 = 5। अगर आर्म तीन राउंड घुमा तो एक राउंड में कितना, 4, तीन राउंड में कितना, 12, और 12 + 3 कितना, 15, टोटल कितना हो गया, 15, अगर तीन रिवॉल्यूशन कर रहा है। सो फॉर वन इट इज 5 रिवॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन बात है, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सब लोग फास्ट आंसर करने के, जल्दी जल्दी एवरीवन। The cantilever beam of length L is subjected to an end load P. What is the deflection under the load? एक cantilever है, क्या है? एक cantilever है। हाँ, इसकी टेबल होती है डियर नवीन जी, पर टेबल बनाने से फायदा क्या है? टेबल तब आप यूज करते हैं जब आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, वो टिपिकल क्वेश्चन के लिए होता है, ऐसे क्वेश्चन टेबल की जरूरत नहीं है, ठीक है? कैंटिलीवर बीम है यहां पर, और यहां पे आपने क्या किया, इसको आपने लोड दे दिया कितना गाइस, P। आपसे क्या पूछा, डिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको ये अभी आपको सारी चीजें बता दी, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इसका, WLQ by 3EI हो जाएगा इसका डिफ्लेक्शन, WLQ by 3EI। और जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं गाइस, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का सेंटर पर लोड है या फिर कैंटिलीवर का लोड है, तो इन सब का फॉर्मूला WL² by 3EI 48EI है ना, ये सब जरूर आप याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन बात है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी कब? टेक जी क्या बोल रहे हैं आप? टेक जी आपको ये टेस्ट बुक की कोचिंग ज्वाइन करनी है, आप भिलाई से हैं यही ना? चलिए बहुत बढ़िया, तो डियर आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, आप रोज आइए यूट्यूब पे, और अगर आपको लाइक पेड कोर्स चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वीडियो के नीचे आप खोलिएगा इसकी मोर, यानी कि वीडियो के नीचे आप खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आप AJEE मैकेनिकल का लिंक दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, बाय नाउ करिएगा, मेरा कोड लगाइएगा, वहां पे आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे अगर आप मैकेनिकल से हैं तो। अरे नहीं नवीन जी, हम ऐसे ही बात करते हैं दोस्त, इज्जत देखो यार, सब एक चीज पे सबका हक है दुनिया में, वो है इज्जत। नहीं डियर, अभी IOL का अबू शमा जी यार, IOL का जो मुझे लाइक टॉपिक है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो मुझे मिला नहीं डियर, मैंने बहुत सर्च किया, लाइक वेबसाइट पर भी चेक किया, बट वो मुझे मिला नहीं, सॉरी फॉर दैट डियर। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पे वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट जीरो होगा। वेक्टर सम सारे फोर्स का और एक्सटर्नल वेक्टर सम सारे मोमेंट का जब उस पे जीरो होगा, तो उसको बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अगले क्वेश्चन बात है, देखो डियर किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, और ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व भी मत करेगा जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। और JET आप समझ रहे हो, आप किसका एग्जाम देने जा रहे हो, जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी का, जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनी का एग्जाम देने जा रहे हो, मतलब ये बहुत फर्स्ट स्टेज है कंपनी में, एज एन इंजीनियर दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेज, तो आपसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलिए डियर आंसर करें सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बातें कम करते हैं डियर, क्योंकि बच्चों का कल पेपर है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस कम करते हैं, बातें थोड़ा मतलब बाद में कर लेंगे अपने सेशन में, थोड़ा सा बच्चों का कल पेपर है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है? जो टोटल लॉस है डेवलप इन अ सीरीज ऑफ पाइप, यानी कि पाइप सीरीज में लगी है, लाइक एक पाइप यहाँ पे लगी है ऐसा, फिर एक पाइप यहाँ पे लगी है ऐसे, फिर एक पाइप आगे लगी है ऐसे, सीरीज में पाइप लगी है, किसमें लगी है, सीरीज में पाइप लगी है, जो टोटल हेड लॉस है वो क्या होगा, मतलब टोटल लॉस, हेड लॉस नहीं, टोटल लॉस क्या होगा गाइस, तो हमेशा समझिएगा, टोटल लॉस क्या होगा, सम ऑफ लोकल लॉसेस प्लस लॉसेस इन ईच पाइप, क्योंकि ये लॉस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं बच्चे सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, आंसर सी नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली हेड लॉस, लाइक इट कैन बी हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इट कैन बी प्रेशर लॉस, वट एवर, सो इट इज अ सम ऑफ लोकल लॉसेस, लोकल लॉस तो है ही, लोकल लॉस मतलब हेड लॉस, प्लस लॉस इन ईच पाइप, और पाइप पे जो भी लॉस हो रहे हैं अलग अलग, वो सारे लॉस को जोड़ लीजिए, वो सारे मिला के क्या बनेंगे, टोटल लॉस, क्या बनेंगे, टोटल लॉस बनेंगे। अगले क्वेश्चन बात है, बिल्कुल होता है अभीक जी, यार अभीक जी क्वेश्चन जो होता है वो तो असिस्टेंट इंजीनियर RRB SSC और JEE में रिपीट होता है, तो टाटा स्टील में क्या ही है, 100% रिपीट होगा डियर, बिल्कुल 100% श्योर है, क्वेश्चन SSC JEE जैसे प्रेस्टीजियस एग्जाम में 35% क्वेश्चन रिपीट होते हैं डियर, SSC JEE जैसे प्रेस्टीजियस एग्जाम में अगर आपने लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन लगाए हैं तो 35% क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले 10 साल से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है गाइस, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी होती है म्यू से बोलते हैं इसे, और म्यू आपका होता है
न्यू न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, यानी कि डायनेमिक अपॉन डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, इसे बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यही सेम यूनिट होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी की, जिसको बोलते हैं अल्फा। थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होती है के बाय रो सीपी, इसकी भी यूनिट सेम होती है। क्या होती है, के बाय रो सीपी, इसकी यूनिट सेम होती है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जरा एक काम करते हैं, इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस अल्फा को गाइस क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मुझे देना डियर, बस एक सेकंड मुझे देना। तो मुझे कोई बताएगा प्रांटल नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्रांटल नंबर। अभी की कोई बात नहीं, चलिए। सो गाइस देखिए, यहां पर अगर मैं कर दूं, यहां पे देखिए ये क्या है, न्यू, क्या है न्यू, और बाय अल्फा करता हूं, मैं न्यू बाय अल्फा करता हूं, दिस न्यू बाय अल्फा। सो न्यू क्या है गाइस, यहां पे म्यू बाय रो, और बाय अल्फा यानी कि उल्टा, तो सी रो सीपी बाय के। तो देखिए यहां से रो रो कट गया गाइस, म्यू सीपी बाय के, और इसे क्या बोलते हैं, प्रांटल नंबर। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रांटल, न्यू की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, अल्फा की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और न्यू बाय अल्फा यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट यूनिट कैंसिल, क्योंकि प्रांटल नंबर क्या है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, प्रांटल नंबर है ना, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वो क्या जाएगा, न्यू बाय अल्फा क्या होता है, प्रांटल नंबर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर सब लोग करते हैं गाइस, एक पाथ लाइन कैसी लाइन होती है, पाथ लाइन इज अ लाइन, पाथ लाइन इज अ लाइन। थोड़ा सा गाइड रैपिड मोड में चलेंगे, ठीक है, अपना टारगेट 100 क्वेश्चन का है यार, और कवर करना है उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन आसान है, बट मैं सोच रहा हूँ ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं, बट बीच बीच बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, मैं ऐसे आगे बढ़ नहीं सकता। पाथ लाइन गाइस क्या होती है, कोई बताइएगा पाथ लाइन क्या होती है। यस, इट इंडिकेट्स द पाथ टेकन बाय फ्लूड एलिमेंट, यानी कि कोई फ्लूड एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए ये एक नोजल है, एक नोजल यहाँ से कोई फ्लूड डिस्चार्ज हुआ, अब ये फ्लूड 7 बजे यहाँ पहुंचा, 7 PM हियर, 8 PM हियर, 9 PM हियर, 10 PM हियर, 11 PM हियर, सो ज्वाइन ऑल द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, दैट इज नोन एज पाथ लाइन। क्या बोलेंगे इसे, पाथ लाइन। अगले क्वेश्चन पाते हैं, हाँ फास्ट रखता हूँ डियर, बिल्कुल तुषार थोड़ा सा फास्ट रखता हूँ। चलिए, एक आइडियल फ्लूड फ्लो क्या होता है गाइस, आप सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका फास्ट। एक आइडियल फ्लूड फ्लो क्या होगा, एवरीवन व्हाट इज आइडियल फ्लूड फ्लो। नहीं, सरफेस टेंशन फोर्स तो गाइस मतलब वो तो हाई टेंपरेचर पे भी जीरो हो जाता है, सरफेस टेंशन फोर्स को हम नेगलेक्ट करते हैं हाई टेंपरेचर पे भी, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स टेंपरेचर साथ घटता है, सरफेस टेंशन फोर्स अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो वो घट जाएगा ना। तो आइडियल फ्लूड फ्लो, आइडियल फ्लो का मतलब होता है जब उसकी विस्कोसिटी ना हो, यानी कि विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, विस्कोसिटी क्या हो, जीरो, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं डियर, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हेड लॉस जो है पाइप में, हेड लॉस इन पाइप बेंड इज प्रोपोर्शनल टू, मींस लॉस ड्यू टू बेंड, लॉस ड्यू टू पाइप बेंड क्या होगा। अभिनय जी जब आएगा तब तो लाएंगे ना डियर, जब आएगा तब तो नोटिफिकेशन लाएंगे ना, हमारा काम होता है डियर कंपनी से आपके बीच का एक ब्रिज, अगर कंपनी कोई नोटिफिकेशन ला रही तब तो हम आप तक लाएंगे ना। चलिए, हेड लॉस जो होता है पाइप में गाइस क्या होता है, तो आपको पता है गाइस क्या होता है, वी स्क्वायर बाय 2g, क्या होता है, यस, हेड लॉस क्या होता है, ड्यू टू बेंड, ये होता है वी स्क्वायर बाय 2g, अगर सडन एक्सपेंशन लॉस पूछेगा तो क्या होगा, v1 माइनस v2 का स्क्वायर बाय 2g, जो कि v1 क्या है, वेलोसिटी इन स्मॉलर डायमीटर पाइप, और v2 क्या है, वेलोसिटी इन लार्जर डायमीटर पाइप, सो v2 हियर और v1 हियर, v1 है वेलोसिटी छोटे पाइप में, v2 है वेलोसिटी बड़े पाइप में, v1 माइनस v2 स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे बाय 2g। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये होता है सडन एक्सपेंशन लॉस और ये होता है आपका बेंड लॉस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सात्वी जी, अभी तो मैं कोर्स ले रहा हूं बट दोस्त वो है इंग्लिश में, एंड आई बिल्कुल अभी मैं जो कोर्स रिकॉर्ड कर, हम अभी आपको कोर्स दे रहे हैं, मेरा जो कोर्स चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। एक फ्लूड इज डिफाइंड एज वन विच, फ्लूड इज डिफाइंड एज वन विच, बहुत बढ़िया। फ्लूड क्या होता है गाइस, जब तक आप उस पर शियर स्ट्रेस लगाएंगे तब तक वो डिफॉर्म होता रहेगा, यानी कि पानी को जब तक आप हाथ से घुमाते रहेंगे पानी चलता रहेगा, पानी को जब तक आप शियर फोर्स लगाएंगे पानी डिफॉर्म होता रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्पेसिफिक स्पीड, अभिनय जी अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में क्वेश्चन आप ये नहीं बता सकते किससे ज्यादा आएंगे, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि अगर आप टाटा स्टील का पेपर देने जा रहे हो तो आप स्टील के बारे में, स्टील का हीट ट्रीटमेंट वगैरह देखे जाएगा, प्रोडक्शन से क्वेश्चन पढ़ के जाएगा, प्रोडक्शन भी आ सकता है, प्रोडक्शन या तो प्रोडक्शन आएगा या तो फिर थर्मल का पार्ट आएगा, ज्यादातर वही आते हैं, ठीक है। चलिए डियर, स्पेसिफिक स्पीड इंडिकेट्स क्या दिखाती है, स्पेसिफिक स्पीड
बताइए गाइस क्या बताती है, स्पेसिफिक स्पीड क्या बताती है? बताइए गाइस स्पेसिफिक स्पीड क्या बताती है? आंसर करेंगे सब लोग फास्ट, जल्दी जल्दी। यस, स्पेसिफिक स्पीड ये बताती है कि रेटेड आरपीएम कितना है। स्पेसिफिक स्पीड आपकी ये बताती है कि रेटेड आरपीएम कितना है ना। किसी की स्पेसिफिक स्पीड अगर कम है, किसी की स्पेसिफिक स्पीड अगर कम है या ज्यादा है तो वो क्या बताती है बेसिकली, कि स्पीड किसकी क्या है, स्पीड की लिमिट कितनी है, वो बताती है स्पेसिफिक स्पीड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरपीएम में लेते हैं ना, स्पेसिफिक स्पीड इतनी है, ये इतना है। नवीन जी हम लोगों के पास सारे बैच हैं डियर, एनपीसीआईएल हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए बैच है। बट एसएच अगर आप बोलेंगे सिर्फ, अब हम पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई बैच अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डियर, क्योंकि जो एग्जाम होता है ना, जैसे हम जब मतलब सेशन लेते हैं तो लाइक एजेई का सेशन ले रहे हैं ना, तो उसमें लगभग सारे क्वेश्चन सेम ही आता है। तो ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जैसे छोटा कोई एग्जाम आ गया, आप बोलेंगे सर इसके लिए बैच है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है डियर। द फ्लो रेट, ओके, आपको यहाँ पे गाइस क्यू कितना दिया है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी फ्लो रेट दिया 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। पाइप की रेडियस दिया आपको आर, ये क्वेश्चन में शायद कल भी किया था, आपको दिया 1 मीटर। और वेलोसिटी आपसे पूछा है, क्यू क्या होता है, ए इंटू वी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, वन, वन दिया है क्यू। ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब वन का स्क्वायर, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/π। आंसर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। आरआरबी जेई, आरआरबी एसएससी और एसएससी जेई आपको सबके लिए मिलेगा डियर, सबके लिए मिलेगा। और जो बच्चे आप बैच लेना चाहता है, अगर आप में से कोई बैच परचेज करना चाहते हैं मैकेनिकल का, पूरा डिटेल मैकेनिकल पढ़ना चाहते हैं गाइस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे एजेई मैकेनिकल का आपको लिंक दिख जाएगा, वहां पे आप जाइएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा, बाय नाउ करिएगा, अपना फोन नंबर वगैरह डालिएगा और आप ये मेरा कोड लगाएंगे RMISSRA। जैसे आप ये कोड लगाएंगे गाइस, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इस समय हमारा 11,000 रुपये कोर्स आपको 4,000 में मिल रहा है। बिल्कुल मंडल साहब, अभी आफ्टर, जस्ट आफ्टर द क्लास, अभी क्लास के जस्ट बाद मैं इसका पीडीएफ अपनी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, लाइक स्लॉटर में गाइस यूज होता है, प्लेनर में यूज होता है, शेपर में यूज होता है, ब्रॉचिंग में कोई क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज नहीं होती, ब्रॉचिंग में कोई क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज नहीं होती। अगले क्वेश्चन पाते हैं। हाँ दीपक, बस वही है कि लेकिन अगर आप अपनी जॉब को लव करेंगे तो, अगर आप अपनी जॉब से मोहब्बत करेंगे डियर, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखो अब यही होता है ना कि मतलब हर बच्चे की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे यार हम भी किसी टीचर से पढ़ते तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन होती थी, जैसे अगर कोई टीचर हमें पसंद है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई भी टीचर हमें पसंद है, तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती थी क्या कि हम इनसे पढ़ें, मतलब ये पढ़ाएं तो हमें ये मतलब मज़ा आता था। तो थोड़ा सा सबके अरमानों को, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, बुझा सका है कौन वक्त के शोलों को, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। आइए, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ, आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी, मिलिंग मशीन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस बेस पे क्लासिफाई करी जाती है? सो गाइस, मिलिंग मशीन को हम स्पिंडल के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। मिलिंग मशीन है, इसका स्पिंडल ये है, ये मिलिंग कटर ऐसे लगा हुआ है। अगर ये मिलिंग मशीन है, इसका स्पिंडल ये है, हम इसको बोलते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन। अगर ये मिलिंग मशीन है जिसका स्पिंडल ऐसे बना हुआ है, हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो स्पिंडल के बेस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं बेसिकली। गाइस जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो कल टाटा स्टील जेईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भर लीजिएगा ध्यान से। और एक बात और समझिएगा कि जितने भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इस सेशन में है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जितने भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच मंडल साहब, थैंक यू सो मच सर। नवीन जी ये मेरी शायरी नहीं है, ये गाना है वैसे, बट थैंक यू सो मच। चलिए, कंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। कंटिन्यूअस चिप गाइस हमेशा बनते हैं कब, जब आप मशीनिंग करते हैं डक्टाइल मटेरियल की। जब भी आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं, हमेशा क्या बने, देखिए एक चीज समझिएगा, डक्टाइल मटेरियल से आप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों चिप निकाल सकते हैं, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होगा ना, इससे आप सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअस चिप निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में आ जाए कि ब्रिटल मटेरियल प्रोड्यूसेस, ब्रिटल मटेरियल प्रोड्यूसेस, आप हमेशा लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस चिप। गाइस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल का फॉर्म है, जो बच्चे कल टाटा स्टील जेईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपना डेटा फिलअप कर देंगे। कल हमारी एनालिसिस होगी, शाम को 6 बजे मैकेनिकल की होगी और 2 से 2:30 बजे के आसपास मोहित सर की इलेक्ट्रिकल की। तो हम आपसे बातें करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और थोड़ा बातचीत किया जाएगा उस वजह से, ठीक है। कंटिन्यूअस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग, तो कंटिन्यूअस चिप कब बनते हैं गाइस, जब आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे। ब्रिटल मटेरियल कभी कंटिन्यूअस चिप नहीं बना सकता, ब्रिटल मटेरियल कभी कंटिन्यूअस चिप नहीं बना सकता। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।
नवीन जी लाइव कनेक्ट, लाइक ऑन फोन, टेलीफोन पे कनेक्ट करेंगे सर, मोबाइल पे, मोबाइल पे बातें गुफ्तगू करेंगे, अंदाजे बयां, कुछ अंदाजे बयां करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। साइज ऑफ शेपर इज स्पेसिफाइड बाय, शेपर की साइज स्पेसिफाई करते हैं किससे, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक से, किससे स्पेसिफाई करते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं गाइस, समझिएगा शेपर में हम कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। बिल्कुल नीतीश हाजिर, आपका तो मतलब तहे दिल से स्वागत है यार, जब चाहो तब फोन कर लो दोस्त, जब चाहो तब कर लो। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, जब बच्चे बोलते हैं ना सर अपना फोन नंबर दे दो, बच्चों को फोन नंबर दे दो ना, तो बच्चे रात में 11:30 बजे मैसेज कर देंगे। और ऐसा होता है ना कि जब आप कई बार मैसेज करते हैं रात 11:30 बजे 11 बजे, तो दाम्पत्य जीवन में खलल पड़ जाता है, तो ऐसा मत करा करिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, सीधा क्वेश्चन पूछिए, और बच्चे मैसेज कर देंगे सर हाय कैसे हो सर, अरे सर बढ़िया है यार, सर एकदम बढ़िया है, आप डायरेक्टली मैसेज करो, क्वेश्चन पूछो, सीधा मैसेज करो, नाम बताओ, क्वेश्चन पूछो, बस बात खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिप्स, चिप इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल। मैंने क्या बताया गाइस, कंटिन्यूअस चिप एंड बिल्टअप एच, कंटिन्यूअस चिप एंड कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एच, ये दोनों बन सकते हैं जब आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करेंगे, तो कंटिन्यूअस चिप एंड बिल्टअप एच दोनों यहां पे बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही है डियर, ए भी, ए तो बनेगा ही, लेकिन कंटिन्यूअस चिप विद बिल्टअप एच, यानी कि दोनों का चांस, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, हाँ वही बात है, वही बात है ना। चलिए एंड सिलेक्ट द करेक्ट, गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पवित्र साहू जी, आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे, मैंने बोला कि जब टीचर नंबर देते हैं तो बच्चे रात में मैसेज करते हैं कि सर क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन बता दो, तो टीचरों के दाम्पत्य जीवन में, पर्सनल जीवन में खलल पड़ जाता। मैंने अपना नाम लिया ही नहीं, आई एम सिंगल, मैं चिर मैं हम, देखो नाम का असर पड़ता है, देखो मुझे देखो, राहुल गांधी सर को देखो, मुझे देखो, राहुल गांधी सर को देखो, दोनों सिंगल ही है ना, ये दोनों में कॉमन है, दोनों सिंगल है। डियर मैं रोशन जी, मैं एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, फॉलोइंग पैरामीटर डिसेंडिंग ऑर्डर इन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ टूल लाइफ, यानी कि जो टूल लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा वो होगी कटिंग स्पीड, क्योंकि आप जानते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन क्या बोलती है, वी टी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो टूल लाइफ है ना डियर, इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करेगा, कटिंग स्पीड। अगर कटिंग स्पीड बढ़ाओगे टूल की लाइफ घट जाएगी, याद करने की बात नहीं है, सिंपल बात है, याद करने की बात नहीं है, सिंपल बात है। अगर बहुत तेज भागोगे रोड पे, बहुत तेज भाग रहे हो, तो लाइफ खत्म हो जाएगी, हाफने लगोगे, है ना। सैलरी 147 मैकेनिकल साहब, जो टाटा स्टील जेईटी सैलरी है वो अप्रॉक्स 28-29,000 के अराउंड है, आई थिंक लाइक 18,000 से स्टार्टिंग है, कुछ ट्रेनिंग का पीरियड है, उसके बाद आपको 30-32 के अराउंड सैलरी मिलती है शुरुआत में, आफ्टर दैट वो इंक्रीज जाती है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो गाइस सब ज्यादा इफेक्ट करती है आपको कटिंग वेलोसिटी, उसके बाद कौन करता है फीड, और फिर लास्ट में डेप्थ ऑफ कट। ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस मत भूलेगा, 3-1-2, सबसे ज्यादा कटिंग टूल लाइफ को इफेक्ट करेगी कटिंग स्पीड, और सबसे कम करेगी डेप्थ ऑफ कट, और कटिंग स्पीड सबसे ज्यादा, उससे कम फीड, और सबसे कम डेप्थ ऑफ कट। अगले क्वेश्चन पाते हैं, हाँ वही मैं बोल रहा हूं डियर कि 15 से 18 के बीच में आई थिंक समथिंग मिलती है ट्रेनिंग के बाद, और आपकी ट्रेनिंग कुछ होती है, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी लगभग 24,000 से 28,000 के आसपास समथिंग होती है। बट बात यह नहीं है कि सैलरी कितनी है, बात यह नहीं है, जब कभी मंजिल तक पहुंचने के ख्वाब बड़े होते हैं ना डियर, जब मंजिल तक पहुंचने के ख्वाब बड़े हो ना, तो रास्तों की परवाह नहीं की जाती जिंदगी में। देखो दोस्त, आप जितने भी लोग यहाँ पे लाइव है ना, मैं आप सबसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमेशा ध्यान समझिएगा, और ये चीज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जब भी जिंदगी में आपको काम करने का मन करे ना, लाइक किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में, डोंट एवर सी द सैलरी, आप सैलरी मत देखिए, अगर कंपनी आपको बेहतर मिल रही है आप हमेशा काम करना शुरू करिए। जब आप कंपनी अगर आपको 100 रुपए पे कर रही है ना, तो आप कंपनी को 200 रुपए काम करके दो, हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, आपकी कीमत तब बढ़ेगी जब आप, कंपनी आपको 100 रुपए पे कर रही है, आप 200 रुपए काम करके दो। अब जिस दिन अपने आपको प्रूफ कर दोगे ना, उस दिन आपको अपने बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ अपना आप बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप काम ईमानदारी से करिए बस। रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, गाइस रीमिंग क्या होता है, रीमिंग एक ऑपरेशन होता है जिसको हम हमेशा ड्रिलिंग के बाद करते हैं। रीमिंग को हम हमेशा किसके बाद करते हैं, आफ्टर ड्रिलिंग करते हैं। रीमिंग को हमेशा क्या करते हैं, हम आफ्टर ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग जब हम करते हैं ना डियर, कम नहीं बोल रहे हो, कम नहीं बोल रहे हो,
ड्रिलिंग क्या होता है गाइस, ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं ना किसी मटेरियल में होल क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि वो होल इरेगुलर शेप इरेगुलर साइज का होता है, उसके बाद हम होल की फिनिशिंग करते हैं, उसको एग्जैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिमिंग। ड्रिलिंग के बाद हम होल की फिनिशिंग करते हैं, उसको एग्जैक्ट साइज का ले आते हैं, जिस साइज में हमको चाहिए उसको बोलते हैं रिलिंग, ड्रिमिंग बोलते हैं। किसी ने लिखा है नीतीश कि जब वो मंजिल पे पहुंचा तो लोगों ने बोला कि बहुत किस्मत वाला है, जब वो मंजिल पे पहुंचा तो लोगों ने बोला कि बड़ा किस्मत वाला है, लेकिन मेरे दोस्त किसी ने उसके पैर के छाले नहीं देखे, है ना। तो जब आप किसी को बोलते हैं, किसी भी टीचर को बोलते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में किसी को बोलते हैं ना कि सर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, तो आप ये सोचो कि वो कहाँ से मेहनत करके आया है। और आप जिस दिन इतनी मेहनत कर देंगे ना सर, आप हमसे भी ऊपर जाएंगे, आप हमसे ऊपर जाएंगे। और हर टीचर ये चाहता है कि उस जो बच्चा है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे ऊपर जाए, और हर टीचर जिंदगी में चाहता है कि हर स्टूडेंट उनका उनसे बहुत ऊपर जाए, बहुत ऊपर जाए। आप सब लोग अपने पापा को देखिए, आप जितने भी लोग होंगे, आप जिनके फादर या मदर जो भी जॉब कर रहे होंगे, आप उनको देखिए वो कहां से उठे हैं, ठीक है। चलिए, सो अ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय, आंसर करेंगे सब लोग फास्ट गाइस जल्दी जल्दी। एक यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड है, इज यूज टू परफॉर्म मिलिंग ऑपरेशन बाय, आंसर करेंगे सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी, इसका आंसर करिए सब लोग, एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 59, आंसर आंसर करेगा गाइस जल्दी जल्दी एवरीवन। आंसर करिए गाइस फास्ट। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय। गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, और आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में। चलिए, ऑप्शन सी इसका नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, अब आंसर करिएगा, सी नहीं है डियर इसका, ऑप्शन करिएगा। और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको लास्ट बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अगले क्वेश्चन पाते हैं। प्लेन इंडेक्सिंग सुना आपने, प्लेन इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, प्लेन इंडेक्सिंग, यस इट इज प्लेन इंडेक्सिंग। यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड एसएससी जेई का क्वेश्चन है 2007 का। यूनिवर्सल डिवाइडिंग इज यूज टू परफॉर्म अ मिलिंग ऑपरेशन बाय प्लेन इंडेक्सिंग। क्या ही होमवर्क, तुम छोड़ो, बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क देके चले गए। नवीन जी, इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश आपकी ब्रिलियंसी को नहीं दिखाती, इंग्लिश ये नहीं दिखाती कि आप कितनी ब्रिलियंट हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो इंडिया के आईआईटी के इंजीनियर से बेहतर है एक अंग्रेज का छोटा बच्चा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है, उसका छोटू छोटू है, छोटू बच्चा, वो तो आईआईटी के इंजीनियर ज्यादा बेहतर है। अगर इंग्लिश ही ये लाइक ये मानक है कि आप किसी की ब्रिलियंसी को जज करें, तो फिर तो वो ज्यादा बेहतर है। इंग्लिश एक भाषा है यार, अगर अगर हम इंग्लिश अगर अंग्रेज सोचते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, या कोई सोचता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो यार तुम भी हंसो ना उसे देख के कि तू कौन सा हिंदी बोल पाता है बे, तू बोल हिंदी, बोल 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 हिंदी। इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन फॉर ग्राइंडिंग हार्डर मटीरियल, आंसर करेंगे सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी, अगेन एसएससी जेई क्वेश्चन, आंसर ग्राइंडिंग हार्डर मटीरियल। देखो गाइस, देखो हार्डर मटीरियल के लिए आप फाइन ग्रेन तो बोल सकते हैं, बट वी कैन लिसन, वी कैन यूज हार्डर, फॉर हार्डर मटीरियल वी कैन यूज द कोर्स ग्रेन, वी कैन यूज द फाइन ग्रेन, यू कैन यूज एनी ग्रेन, बट दैट मस्ट बी सॉफ्ट ग्रेड। हार्डर मटीरियल के लिए हम सॉफ्ट व्हील यूज करते हैं। सॉफ्ट व्हील का मतलब ये नहीं कोर्स ग्रेन, सॉफ्ट व्हील का मतलब सॉफ्ट ग्रेड, ग्रेड सॉफ्ट होना चाहिए, व्हील का ग्रेड सॉफ्ट होना चाहिए। और कोर्स ग्रेन आप कोई भी ले सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट लाइक कोर्स ग्रेन लाइक फाइन ग्रेन, बट द सॉफ्ट ग्रेड ऑफ द व्हील मस्ट बी सॉफ्ट, व्हील का ग्रेड सॉफ्ट होना चाहिए। अब ग्रेड, ग्रेड मैंने अब क्या बताया था, ग्रेड का होता है गाइस, लिखिए AIQ, AIQ मतलब आप IQ से बोल रहे हो, अपनी IQ से बोल रहे हो कि AIQ मेरी थोड़ी बढ़ जा, AIQ, I से पहले क्या आता है H आता है, Q से पहले क्या आता है P आता है, A से H सॉफ्ट ग्रेड, I से P मीडियम ग्रेड, Q से Z मतलब लाइक हार्ड ग्रेड, क्या हार्ड ग्रेड। तो एनी ग्रेन आप यूज कर सकते हैं, बट ग्रेड होना चाहिए सॉफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो गाइस, देखो गाइस, अभी हमने थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को अप्रोच करें, लाइक 33 हो रहा है यहां पर, और हमने 61 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो कम से कम यू कैन यूज एनी ग्रेन डियर, बट द ग्रेड मस्ट बी सॉफ्ट,
ठीक है चलिए. व्हेन टर्निंग ऑन लॉन्ग शाफ्ट इट्स बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड. अब अगर आप बड़े शाफ्ट की टर्निंग कर रहे हैं, अगर आप टर्निंग कर रहे हैं तो शाफ्ट बेंड हो सकता है, तो इसकी बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, दो क्लैंपर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीडी रेस्ट. क्या बोलते हैं, स्टीडी रेस्ट. ठीक है अगले क्वेश्चन पे आता है. नहीं डियर नहीं, ओनली वॉटर, ओनली वॉटर एंड टी, नथिंग एल्स, सिर्फ पानी और चाय और कुछ नहीं. द ऑपरेशन ऑफ शार्पनिंग अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड. ग्राइंडिंग व्हील को शार्पन करने का ऑपरेशन क्या है, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने का ऑपरेशन क्या है, बताओ यार जल्दी बताओ ना, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने का ऑपरेशन क्या है बे, इसको तेज करने का, यस शार्प करने का ऑपरेशन क्या है. देखो आपका चेहरा कैसा भी हो, जब आप शादी आपकी होती है और आप जयमाल वाले स्टेज पे जाते हैं जहां पे जयमाल वगैरह होता है, तो ड्रेसिंग करके जाते हैं ना, मेकअप वगैरह करके जाते हैं या जाती हैं मेकअप करके, इसलिए कि शार्प लगे, मतलब अपनी ओरिजिनल से ज्यादा लगे, शार्प लगे, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं. तो गाइस समझिएगा, जो ग्राइंडिंग व्हील होती है इसमें हम दो तरह का ऑपरेशन करते हैं, एक तो ट्रूइंग करते हैं, ट्रूइंग, और एक करते हैं ड्रेसिंग. तो जो ड्रेसिंग करते हैं ना, ये हम इसकी कटिंग एज को इंप्रूव करते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को शार्प करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं ड्रेसिंग. और ट्रूइंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील की राउंडनेस को मेंटेन करना, यानी कि अगर कटिंग करते 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 ग्राइंडिंग व्हील की शेप चेंज हो गई, ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील था ना, ये चिपक के कटहल बन गया. क्या बन गया, कटहल बन गया. तो इसकी कटहल से इसको वापस से ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए, इसकी राउंडनेस को मेंटेन करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं ट्रूइंग. क्या बोलते हैं, ट्रूइंग करते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अदनान सैम जी, अगर आप ये बोल रहे हैं ना, सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे अगर आपकी मम्मी ने कभी मैगी बना के आपको दिया, जो बच्चे बोलते हैं कि चेहरा खराब है, ये है वो है, अगर आपकी मम्मी ने कभी आपको मैगी बना के दिया और आपने मैगी उठा के फेंक दी कि मैगी बहुत बेकार है, बहुत कौन बनाया मैगी ये, किसको बुरा लगेगा दोस्त, आपकी मम्मी को, क्योंकि जिसने उसको बनाया है. तो अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा चेहरा बेकार है और मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली अपने खुदा, अपने भगवान या अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने बनाया है. तो कम से कम भगवान की बेइज्जती ना करें. हर चेहरा अनमोल होता है डियर, हर चेहरा अनमोल होता है. एक माँ से पूछिए कि एक चेहरे की क्या औकात होती है ना. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल द स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम. हर माँ के लिए उसका बेटा राजा बेटा होता है, और हर माँ के लिए अपनी बेटी रानी होती है ना, राजकुमारी होती है. चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द लेथ विल द स्पिंडल स्पीड मिनिमम. स्पिंडल की स्पीड सबसे मिनिमम किस पे होगी, लेथ पे गाइस, तो थ्रेड कटिंग में, क्योंकि थ्रेड कटिंग आपको बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, तो थ्रेड कटिंग में इसकी जो स्पिंडल की स्पीड होती है वो सबसे मिनिमम होती है. अगर आप सिंपल दिमाग लगाएंगे ना, तभी आप समझ जाएंगे थ्रेड कटिंग बहुत आपको बहुत आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा. बहुत नर्लिंग होता है गाइस, एक डायमंड शेप क्रिएट करना, नर्लिंग होता है एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बनाना, डायमंड शेप क्रिएट करना, उसको बोलते हैं नर्लिंग. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. आंसर करो भाई, आंसर करो, आंसर करो. राक्षस बोलते हैं कि बनराकस बोलते हैं, तुम लोग सब लोग बनराकस हो. क्या हो, बनराकस, बनराकस जानते हो ना, जानते ही होगे. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बस अपनी अपनी जगह की अलग अलग कीमत है डियर. फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन द सिलेंड्रिकल जॉब शुड ऑलवेज बी क्लैम्प्ड विद. अगर कोई सिलेंड्रिकल जॉब है, सोचो ये सिलेंड्रिकल जॉब है, ये सुनो, सुन ले पहले, सुन ले यार, आंसर कर रहा पहले. ये सिलेंड्रिकल जॉब है, इसको आपको क्लैंप करना है, इसको ड्रिल करना है, सिलेंड्रिकल जॉब को ड्रिल करना है. कैसे क्लैंप करोगे, ऐसे वी ब्लॉक में, वी ब्लॉक में ऐसे लगाओगे और सिलेंडर क्या करोगे, क्लैंप करोगे ऐसे, और यहां से क्या करोगे, ड्रिल करोगे. तो वी सिलेंड्रिकल ब्लॉक को हम किसमें क्लैंप करते हैं, वी ब्लॉक में क्लैंप करते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर में चलेंगे अब, और तेज और तेज. अरे बनमानुस नहीं होता, बनराकस, हाँ पंचायत का है ये. देखो नीतीश, मैं डक्टाइल हूं, मेरी मशीनिंग इजीली हो सकती है, तो मेरे इतना गट्स नहीं है, मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है, मैं डक्टाइल हूं, मेरी मशीनिंग इजीली हो जाएगी, मैं हार्ड मटेरियल नहीं हूं कि मशीनिंग ना हो पाए, मैं बहुत डक्टाइल हूं, तो मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है डियर, साफ साफ बता रहा हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर. फ्लैश गटर, आप पहले बताइए फ्लैश गटर क्या होता है, पता है आपको, ये होता है गाइस आपका क्लोज डाई फॉर्जिंग. देखिए आपके पास दो डाई हैं, एक डाई ऐसी है मान लीजिए, और एक डाई आपकी ऐसी है, ये दो डाई हैं आपके पास ऐसे, समझिए
ये दो डाई, आपके पास दो डाई है ना, इस डाई के बीच में आपने क्या किया गाइस, एक रेड हॉट मेटल लाके रखा, आपको फोर्जिंग करनी है। आपको मान लीजिए फोर्जिंग करनी है, तो आपने एक मोल्टन रेड हॉट मेटल लाके रखा, बहुत ज्यादा गर्म किया और डाई के बीच में आपने लाके रख दिया। अब जब आप डाई को प्रेस करेंगे, अपर हाफ और बॉटम हाफ को जब आप प्रेस करेंगे, तो चूंकि ये मटेरियल बहुत रेड हॉट है, सो ये क्या करेगा, मेल्ट होगा, यानी कि मेल्टिंग में जाएगा, और ये क्या करेगा यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर यहां से बाहर निकला तो ये गाइस डाई का अपर हाफ और बॉटम हाफ क्लोज नहीं हो पाएगा। द अपर हाफ एंड बॉटम हाफ ऑफ द डाई विल नॉट बी क्लोज्ड बिकॉज दिस मटेरियल विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस। सो टू अवॉइड दिस ब्लॉकिंग, टू अवॉइड दिस अनक्लोजिंग, इसकी डाई प्रॉपरली क्लोज हो जाए, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक गटर देते हैं यहाँ पे, क्या गटर। जब गटर दे देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इस गटर में जाके सेट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा मटेरियल इस गटर में जाके सेट हो जाएगा और ये डाई प्रॉपरली बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई यानी कि डाई को क्लोज करना, ऐसी फोर्जिंग जिसमें डाई को क्लोज कर सकते हैं उसे बोलेंगे क्लोज डाई फोर्जिंग। अगले क्वेश्चन बात है, नहीं डियर यूट्यूब मयंक जी, नहीं डियर इलेक्ट्रिकल का नहीं है डियर, दिस इज फॉर मैकेनिकल ओनली, सॉरी डियर। एक्चुअली मैंने आपसे कल कहा था कि आई विल टेक द मैराथन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बट आई सर्च द क्वेश्चंस बट आई नेवर फाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन मिला ही नहीं उसका, पता नहीं कहाँ है वो, कौन सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। आई हैव चेक द सिलेबस, तो उसमें अलग अलग कहीं लिखा है बियरिंग है आईओटी में, कहीं लिखा हुआ है कि लाइक आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, पता नहीं क्या क्या है। हॉट वर्किंग गाइस किस पे करते हैं, सब लोग फास्ट आंसर करेंगे, हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग किससे करते हैं, अबव आरएक्स, कहां गया, अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेंपरेचर पे। हॉट वर्किंग किस पे करते हैं गाइस, अबव आरएक्स पे। अब ये जो आरएक्स होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेंपरेचर, जब आप किसी मटेरियल कोल्ड वर्किंग करते हैं ना, किसी मटेरियल को पीटते हैं तो उसके ग्रेन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उसके ग्रेन एलोंगेट हो जाते हैं, उसके ग्रेन जब एलोंगेट हो जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर हम क्या करते हैं उसकी ग्रेन को वापस से रीस्टोर करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे उसके ग्रेन्स रीस्टोर हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और ये गाइस जो आरएक्स होता है ना, ये पॉइंट लाइक 1/3 to 1/4 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी मटेरियल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उसका 1/3 या 1/4 के बीच में होता है इसका आरएक्स, क्या होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इससे ऊपर वर्क करेंगे तो हॉट वर्किंग, इससे नीचे वर्क करेंगे तो कोल्ड वर्किंग। क्या बोल रहे हैं सर आप, कैलीग्राफी जी क्या बोल रहे हैं आप, बच्चे सैंपल की बात नहीं कर सकते ना हम, कैलीग्राफी जी क्या बोल रहे हैं आप, मुझे आपकी बात ही नहीं समझ में नहीं आ रही। चलिए आंसर करते हैं गाइस सब लोग फास्ट, और एक बार सब लोग गाइस सेशन को लाइक कर दो यार, 20 मिनट क्लास बची है, फटाफट जल्दी से इसको कर लेते हैं। फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज नॉर्मली डन एट अ टेम्परेचर ऑफ, एसएससी जेई का क्वेश्चन बताइए, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन होता है जनरली हम किस टेम्परेचर पर करते हैं गाइस, आंसर करेंगे तो गाइस का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्जिंग ऑफ स्टील स्पेसिमेन इज डन जनरली एट 1100 डिग्री सेल्सियस, कितने पे, 1100 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज एसएससी जेई ऑफिशियल क्वेश्चन, एसएससी 2007 क्वेश्चन है, किस पे करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस पे हम जनरली इसकी फोर्जिंग करते हैं। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए आंसर करेगा इस फास्ट जल्दी जल्दी। हाँ अब यार 1100 मतलब 1100 ही नहीं है, बिटवीन 1100, देखो सही रेंज होती है बिटवीन 1100 to 1300, ये होती है रियल रेंज। चलो, इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द प्लेट बाय रोलिंग प्रोसेस वन प्रोवाइड्स, क्या आएगा, वन प्रोवाइड्स कैम्बर ऑन रोलिंग, क्या बोलते हैं बच्चे, रोलिंग में कैम्बर देते हैं। मैंने आपको बताया कैम्बर क्या होता है, जैसे आपका ये रोलर है ना, ये क्या है आपका रोलर है, तो अगर इस रोलर के बीच में आप प्लेट को डालेंगे तो जब रोल क्या करेगा, इस प्लेट को बेंड करेगा, रोल क्या करेगा प्लेट को बेंड करेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जो प्लेट होगी ना, ये भी रोलर पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, रोलर पे क्या लगाएगी, फोर्स। तो यार अगर ये प्लेट डिफॉर्म होगी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये रोलर भी डिफॉर्म होगा, तो रोलर की शेप चेंज हो जाएगी। अगर रोलर की शेप चेंज हो गई तो अगली बार जो प्लेट आएगी उसका जो शेप होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोलर में कैम्बरिंग कर देते हैं, यानी कि रोलर की सरफेस जो होती है ना, इसको हम ऐसे नहीं रखते, इस रोलर की सरफेस को हम ऐसे नहीं रखते, थोड़ी सी कैम्बरिंग कर देते हैं, यानी कि इसको टिल्ट कर देते हैं, कैसे, लाइक एकदम स्मॉल सा कैम्बरिंग, ऐसा कैम्बरिंग देते हैं, इधर इधर क्या करते हैं, ऐसा कैम्बरिंग देते हैं, ताकि इसकी शेप अगर डिस्टॉर्ट भी हो
तो ओरिजिनल शेप में अपने आ जाए, ज्यादा ज्यादा कितना डिस्टॉर्ट होगा, थोड़ा सा, तो अपनी ओरिजिनल शेप में तब भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं कैम्बर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यों कुलदीप जी, क्यों नहीं आओगे भाई, इतने नखरे क्यों करते हो यार तुम, इतने नखरे क्यों करती हो यार कुलदीपिका, क्यों करते हो इतने नखरे भाई, आंसर करो। डाइस फॉर वायर ड्राइंग और मेड ऑफ, ओके, वायर ड्राइंग में जो डाई होती है ना गाइस, देखिए जो डाइज होती है वायर ड्राइंग में, अब आप डाई में आपने क्या किया, कोई मेटल लिया, आप इसमें टेंसाइल फोर्स लगाने हैं वायर ड्रॉइंग के लिए, क्या लगाए हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं वायर ड्रॉइंग के लिए, इससे क्या हो जाएगा, अब ये जो डाई है ना डियर, इसकी ये हाई हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को यानी कि हाई हीट रेजिस्टेंट भी हो और ये सारी स्ट्रेसेस को वियर कर ले, तो डाई जो बनती है बेसिकली वो ज्यादातर डाई टंगस्टन कार्बाइड की बनाई जाती है, यानी कि कार्बाइड जो मटेरियल है वो क्या है, डाई के लिए सुटेबल मटेरियल है। और डाई की जो हम गाइस हम जो डाई की वेल्डिंग करते हैं, कोई मुझे बताएगा, जो हम डाई को जोड़ते हैं, डाई की जो हम वेल्डिंग करते हैं, समझ लीजिएगा, जब हम डाइस की वेल्डिंग करते हैं ये किससे करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग से, डाइस को हम वेल्ड किससे करते हैं, जब डाई कभी खराब हो जाती है इसकी वेल्डिंग हम करते हैं तो किससे करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग से करते हैं। अगले क्वेश्चन बात है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन, ब्लैंकिंग और पियर्सिंग आप साइमल्टेनियसली किसमें परफॉर्म कर सकते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ यार, बताओ 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 भाई बताओ बताओ, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग आप साइमल्टेनियसली किसमें परफॉर्म कर सकते हैं सर, बताइए सर जल्दी जल्दी, नो नो नो, कॉम्बिनेशन और कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई कंपाउंड डाई आंसर करेगा, कॉम्बिनेशन या कंपाउंड, इट इज कंपाउंड डाई डियर, इट इज नॉट कॉम्बिनेशन, इट इज कंपाउंड डाई, देखिए ब्लैंकिंग और पियर्सिंग कंपाउंड में आप क्या करते हैं, एक साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन डाई होता है उसमें हम उसके अलावा कुछ ऑपरेशन और कर सकते हैं, जैसे लाइक बेंडिंग, एक्सेप्ट ब्लैंकिंग और पियर्सिंग एक्स्ट्रा ऑपरेशंस आर डन ऑन द डाई, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन डाई लाइक बेंडिंग, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड डाई, क्या होता है कंपाउंड डाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यस क्वाइन भी बना सकते हैं आप पियर्सिंग से, बट क्वाइनिंग इज ऑल्सो एन ऑपरेशन, अब जैसे डियर कोई ऐसा एक चीज से, कोई एक चीज आप नहीं बना सकते, लाइक गियर हम हॉबिंग से ही बनाते हैं, गियर हम मिलिंग से ही बनाते हैं, गियर हम कास्टिंग से ही बनाते हैं, गियर हम स्टैंपिंग से भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम गियर बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करेगा, चलिए गाइस 14 से 15 मिनट बचे हैं, आप लोग फटाफट आंसर करिएगा, रैपिड फायर में थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मूविंग मैंड्रल किसमें यूज करते हैं गाइस, ट्यूब ड्रॉइंग में, मैंड्रल क्या होता है, जैसे आपका कास्टिंग में आपका जैसे आप कास्टिंग करते हैं ना, तो कास्टिंग में जो कोर करता है, कोर क्या करता है हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करने काम करता है, वैसे ही मैंड्रल होता है, मैंड्रल क्या करता है हॉलो, जब आप लाइक कोई ट्यूब ड्राइंग करते हैं, अगर आपको हॉलो ट्यूब बनानी है तो मैंड्रल यूज करते हैं, उसके ऊपर मैंड्रल के ऊपर हम क्या करते हैं उसको ड्रॉ करते हैं, तो मैंड्रल यानी कि हमने यहां पे क्या रख दिया, एक बिलेट रख दिया, लाइक हमने यहां पे बिलेट रख दिया हॉट बिलेट, आगे हमने ये मैंड्रल लगा दिया, अब इस बिलेट को हमने पीछे से पुश किया तो ये बिलेट इसके आर पार निकल जाएगा, ये बीच में रह जाएगा, यानी कि बीच में आपका क्या बन जाएगा हॉलो बन जाएगा, तो हॉलो के लिए हम क्या करते हैं मूविंग मैंड्रल यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन बात है, चलो डियर सब लोग फास्ट आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग फास्ट, एवरीवन फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर सब लोग करेंगे जल्दी जल्दी। एंड गाइस आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू अ नोटिफिकेशन अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन कॉल इट नाउ PSUs जस्ट आफ्टर दिस क्लास, सो वो होगा 9:05 से, तो आप वहां पे जरूर आइएगा, इसी चैनल पे होगा 9:05 से, ठीक है, यस। इसे क्या बोलते हैं गाइस, प्रोसेस एनलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोसेस एनलिंग, यानी कि जो कोल्ड स्ट्रेसेस सेटअप हो जाती है मटेरियल में उसको निकालना उसको रिलीज करना, इसे क्या बोलते हैं प्रोसेस एनलिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी, तो वी हैव कंप्लीटेड 70 क्वेश्चन, वी आर ऑन 73rd क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई आंसर कर लो जल्दी जल्दी। चलो बताओ 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 सर बताओ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। ऑटोमोबाइल गियर्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय, अब देखिए हॉबिंग से स्टैंपिंग से
एक्सट्रूजन से सबसे आप गियर बना सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन प्रोसेस क्या है? हॉबिंग। सबसे ज्यादा प्रोसेस क्या है? हॉबिंग। हॉबिंग से सबसे ज्यादा आप गियर बना सकते हैं, ये होता है सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस फॉर गियर। अगले क्वेश्चन पाते हैं, इन केस ऑफ शेपर फॉर फिनिश मशीनिंग द प्रैक्टिस इज टू यूज, बताइए शेपर अगर आपका चल रहा है तो आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बताइए। यस, बहुत बढ़िया, कि जब शेपर की स्पीड हाई है उस समय आप फीड को कंट्रोल कैसे करें, जब शेपर की स्पीड हाई है तो आप मिनिमम फीड कैसे दें, क्योंकि हाई स्पीड पे मिनिमम फीड देना बहुत मुश्किल काम है, स्पीड बहुत हाई है और फीड आपको मिनिमम चाहिए तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, यानी कि डी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मिनिमम फीड। वो ये वही कर पाते हैं जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड इंजीनियर होते हैं, वही ये काम कर पाते हैं ना, इसलिए स्किल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती भाई इंडस्ट्री में। इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सर्फेस फिनिश बेटर, बताइए किस मिलिंग ऑपरेशन में सर्फेस फिनिश क्या होती है, बेटर होती है। आंसर गाइस फास्ट, सभी लोग जल्दी जल्दी, एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। सो डाउन मिलिंग में क्या होती है गाइस, सरफेस फिनिश आपकी सबसे बेटर होती है, ठीक है। क्लाइम मिलिंग में जो आपकी सरफेस फिनिश होती है वो इतनी बेटर नहीं होती जितनी डाउन मिलिंग में होती है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, नहीं कुलदीप अभी मत जाओ यार, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी ना जाओ छोड़ के यार, थोड़ा सा कर लो, 80 तक तो कर लो, चलो 80 तक कर लेते हैं यार, अभी 10 मिनट है ना डियर, 80 तक कर लेते हैं। चलिए, टूल मटेरियल विच हैज हाई हीट एंड वियर रेजिस्टेंट, ध्यान रखिएगा दिस इज सीमेंटेड कार्बाइड, क्या होता है सीमेंटेड कार्बाइड, तो सीमेंटेड कार्बाइड का हीट और वियर रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सीमेंटेड कार्बाइड का जो हीट और वियर रेजिस्टेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, और मैंने आपसे इसीलिए बताया कि जो डाइज होती है वो किससे बनती है, कार्बाइड से, डाइज किससे बनती है, कार्बाइड से बनती है। अगले क्वेश्चन पाते हैं गाइस, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन नेट एंट्रोपी चेंज को दिखा रही है, एंड गाइस दिस इज फॉर जनरल केस, डोंट अज्यूम एनी लाइक हाइपोथेटिकल केस, कोई भी आर्बिट्रेरी केस मत मानिए, जनरली इट इज आस्किंग जनरली, नहीं डियर, प्रोसेस दीपक, इट इज प्रोसेस नॉट साइकिल, प्रोसेस नॉट साइकिल गाइस, जनरली व्हाट हैपेंस यस, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरली इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, डोंट अज्यूम लाइक एनी आर्बिट्रेरी प्रोसेस की प्रोसेस नॉन एडियाबैटिक है या डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन, ऐसा नहीं, जनरली क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन का आंसर करते वक्त भी ये भी समझ लीजिए कि किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर गेट का होता तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में इतना दिमाग लगाना नहीं है। SSC JEE में लिख दिया इंजन मतलब कार नॉट इंजन, लिख दिया इंजन मतलब कार नॉट इंजन। अगले क्वेश्चन बताते डियर, वर्क डन बाय सिस्टम इज 45 kg, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बाय 15 kg, एंड व्हाट इज द हीट रिसीव्ड इन किलो जूल बाय द सिस्टम, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज 45 kg, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 kg, एंड व्हाट इज द हीट रिसीव्ड इन, सिंपल सी बात है यार, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, वर्क डन कितना है 45, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कितना हो रही है -15, तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, डेटा खत्म हो गया अभिषेक जी कोई बात नहीं, लो मोड पे करके देखा करो यार, रेजोल्यूशन कम कर लिया करो, ऐसे कोई कटरीना मैम तो पढ़ा नहीं रही है कि रिजोल्यूशन को देखना है तुम्हें 1000 पिक्सल में 720 में, अपन लोग ऐसे ही हैं, मैकेनिकल वाले हैं, रिजोल्यूशन कम कर लिया करो। अदनान जी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखना इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे टाटा स्टील JET में, आप देखना, मैं कोर मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ डियर, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, कोर मैकेनिकल की। चलिए अगले क्वेश्चन बात है, ओके, स्पेसिफिक एंथैल्पी गाइस क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन केजी नहीं होता, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिसकी यूनिट क्या होती है किलो जूल पर केजी, एंथैल्पी क्या है एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है इंटेंसिव, एंथैल्पी यूनिट क्या है किलो जूल, और स्पेसिफिक क्या है किलो जूल पर केजी, क्योंकि क्या होती है एच बाई एम, इसकी किलो जूल इसकी केजी, इंटेंसिव और किलो जूल पर केजी। अगले क्वेश्चन पाते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्पेसिफिक एंट्रोपी ये सब क्या होती है, लाइक लाइक मजे ले लो बेटा मजे ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर करेगा ये सब लोग फास्ट जल्दी जल्दी,
यार एक बार क्लैप हो जाना, 80 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड 80 क्वेश्चंस, सो लेट्स क्लैप फर्स्ट. इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली ना. इफ द सिस्टम डज, लिसन, सिस्टम डज वर्क ऑफ 0.5 किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द इंक्रीज इन हीट इंट्रैक्शन पर डिग्री टेम्परेचर. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस DW. Work is given as work per kilojoule per Kelvin, means DW by DT. DT is what? Temperature. So, आपसे क्या पूछा? Heat interaction per degree temperature. DQ by DT आपसे पूछा है. ये आपसे पूछा है क्या होगा? और आपको दिया है DU. किसका function है guys? U क्या है आपका? 30 plus 0.5T. So, निकाल लीजिए DU by DT. क्योंकि दोनों साइड में क्या कर रहा हूं? DT से डिवाइड कर रहा हूं. सो DU by DT क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0.5. सो DU by DT कितना हो जाएगा? 0.5. सो दिस इज 0.5 और ये कितना है? 0.5. कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. आंसर आपका सी आ जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पाते हैं. बहुत बढ़िया. हर्ष मिश्रा जी, इलेक्ट्रिकल की क्लास मोहित सर लेते हैं आप. डियर मोहित सर से कनेक्ट कर सकते हैं. ये मैकेनिकल की क्लास है डियर. दिस इज फॉर मैकेनिकल ओनली. 2500 किलो जूल पर मिनट की हीट सप्लाई हो रही है एक इंजन को 727 डिग्री सेल्सियस पे. इंजन रिजेक्ट कर रहा है 900 किलो जूल पर मिनट की हीट और 223 डिग्री सेल्सियस पे. आपको बताना है कि ये जो इंजन का टाइप है वो क्या है. इंजन का टाइप क्या है बताइए. इरिवर्सिबल इंजन है या इम्पॉसिबल है? इरिवर्सिबल या इम्पॉसिबल बताइए. आंसर गाइस फास्ट. देखिए पहले इसकी एफिशिएंसी निकालिए. मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी कारनॉट की? निकालिए टेम्परेचर लिमिट 1 माइनस टी लोअर. टी लोअर यानी कि 223. 223 प्लस 273 कितना आ जाएगा? 496 डिवाइडेड बाय टी लोअर अपॉन टी हायर 727 डिग्री सेल्सियस. आपको किसमें रखना है? केल्विन में. 727 ये कितना आ जाएगा? 1000. एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.496 ठीक है 49 यानी कि आ जाएगा 51.4. मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 51.4 आ रही है. अब इसकी निकाल लेते हैं गाइस. इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी. एक्चुअल इंजन की एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? हीट सप्लाई 2500 माइनस हीट रिजेक्शन कितना है आपका? 900 डिवाइड बाय हीट सप्लाई कितना है? 2500. तो ये 1600 बटे 2500 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 1600 बटे 2500 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 64% आ जाएगा. अप्रॉक्स कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा. अप्रॉक्स 64% आ जाएगा यानी कि एक्चुअल की एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है कारनॉट से बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट विच इज इम्पॉसिबल. गाइस आफ्टर दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू फॉर द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुनाइट. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप द सेशन. ठीक है? नहीं डियर उसका नहीं चला. हरिप्रसाद जी उसका नहीं चल पाया. मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ चुके हैं डियर उसका हरिप्रसाद जी नहीं चल पाया क्लास क्योंकि मुझे वो उसका मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिला कहीं भी. और हम ऑफिशियल क्वेश्चन होता है डियर तभी कराते हैं. अनऑफिशियल क्वेश्चन नहीं करा सकते. ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं. लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये. बताइए अगर कोई हीट पंप है, अगर कोई हीट पंप है उसकी सीओपी क्या होती है? टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर यही होती है. अब आपसे पूछा गाइस कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक डिक्रीज, सोर्स और सिंक के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो सीओपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी. सिंपल सी बात है. ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा. चले गाइस तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं. और क्योंकि मेरी भी 9:05 से दूसरा सेशन है तो हमने 82 क्वेश्चन किए हैं. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग सेशन और आप सबके इतने वंडरफुल कमेंट के लिए बहुत सारा तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद. और जिन बच्चों का कल पेपर है यार वो जरूर बेहतर पेपर करें और आप सबका सिलेक्शन अच्छा हो और आप सब जिंदगी में अच्छी जॉब पाएं, अच्छी एक मुकाम हासिल करें, इसी यही हम सबकी शुभकामना है. और आज महाशिवरात्रि का पर्व है और कल आपका पेपर है तो उम्मीद है कि आपका पेपर बेहतर हो जाएगा. बस भगवान पर भरोसा रखिए. ठीक है? शंभो करोति सब संभव. शंभो करोति सब संभव. शंभो हर चीज को संभव कर देते हैं. ठीक है? तो ये आपके साथ भी होगा. चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं आपसे अभी जस्ट 5 मिनट के बाद. जो बच्चे AJEE लेवल के हैं, डिप्लोमा लेवल के हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बताने वाला हूं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो सकता. थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कुछ जानना, कुछ सीखना तो जरूर आ सकते हैं क्लास में. चलेगा इस तो यहाँ पे हम सेशन को एंड करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद. एक नोटिफिकेशन हमारा उसमें मिलते हैं. तो आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद गाइस क्लास में आने के लिए. मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिन बच्चों का कल पेपर है उनको उनको ऑल द बेस्ट. अच्छे से पेपर करिएगा, बढ़िया से, बिंदास होके, खुश मिजाज होके पेपर करिएगा एकदम बेहतरीन सेशन के साथ. और ये पूरा पीडीएफ मैं आपको इस पीडीएफ में 108 क्वेश्चन है. ये पूरा पीडीएफ मैं अभी आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पे. तो आप सभी को मेरा प्यार. पेपर बढ़िया से करना गाइस,
एकदम मस्त पेपर करना, बिंदास होकर खुश होकर, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे चाहते हैं टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग का कोई भी कोर्स लेना गाइस, जिसमें आपको मिलेंगे सुपर टीचर्स का एडवांटेज मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और आपको सारे आरआरबी का, एसएससी का, हर एग्जाम का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा विद सॉल्यूशन, प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन। तो वो बच्चे अगर चाहते हैं कोई भी, ये आपको सर टीचर के, हर टीचर के आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएंगे, अच्छे जो इंस्टीट्यूट के टीचर हैं सबका आपको एक इंडिविजुअल लेक्चर मिल जाएगा, जो सब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और ये सब आपको गाइस मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाएंगे RMISHR। तो जो भी बच्चा चाहता है यहाँ पे कोर्स लेना डियर, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पे AJEE मैकेनिकल का लिंक आपको दिया होगा, उस पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ करिएगा, बस आप ये कोड यूज करिएगा RMISHR, आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट, 11,000 रुपीज, 12,000 रुपये का, 11,000 रुपये कोर्स आपको 3 से 4,000 रुपये में वहाँ पे मिल जाएगा 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, और साथ में कुछ टेक्स्ट बुक का पास भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय, फिर आपसे मिलते हैं 9:05 पे अभी आपके अगले सेशन में, और सभी को अगेन फिर से ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त पेपर करिएगा एकदम खुश होके, खुश मिजाज से, दिमाग अच्छा रहेगा तो पेपर भी बेहतर होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।